नौजवानों का भाई राणा, नौजवानों का भाई राणा, नौजवानों का भाई राणा, नौजवानों का भाई राणा, नौजवानों का भाई राणा। अभी चिल्ला क्यों रहे हो? इस तरह चिल्ला चिल्ला कर तो उसे गुंडे से एमएलए बना दिया है, अब और क्या चाहते हो? तुम लोगों में से अभी कोई भी आवाज करेगा तो मैं उसकी जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अभी राणा सर सेंट्रल जेल से बाहर निकलने वाले, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझसे बड़ी पूछ पड़ा रहा है, पूरी निकाल दूंगा। चल यहाँ से निकल। अगर किसी ने भी मस्ती की तो उसके पैर तोड़ दूंगा, समझे तुम? सर इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, आप बेवजह क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे जब वो जेल जा रहा था तब मैं विलेन पार्टी में था, अब जब वो जेल से बाहर आ रहा है तो मैं हीरो पार्टी में हूँ, ऐसा उसको पता चलना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा बिल्डअप दे रहा हूँ। तू जा यहाँ से। मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या सुपरिटेंडेंट साहब को फोन कर दिया, गेस्ट हाउस चेक कर लिया, जीप से पेट्रोल निकाल लिया? याद आया नयन, कुत्तों को मारना तो भूल ही गया। नौजवानों का साथी राणा, 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 नौजवानों का साथी राणा। रुको, हटिए 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 सर, को ये फूल माला हार ये सब पसंद नहीं है, आप लोग दूर हटिए। नमस्ते सर, मैं आपको याद हूँ ना सर, मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं आपकी तरफ हो गया हूँ, आपको मेरा फुल सपोर्ट है सर। सर चाक सर सर लगा रखा है सर को, ये अखबार वाले मीडिया वाले पसंद नहीं है, जाइए आप लोग, साइड हटिए आप लोग, चलिए साइड हटिए। अच्छा मैं साइड हो जाऊँ सर, ठीक है सर, मैं साइड में हो जाता हूँ सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सॉरी सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जेल जाने से पहले क्या थे और जेल से आने के बाद क्या बनकर आए हैं? जब आप देवस्थान में थे तो वहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अगर उस हादसे की इंक्वायरी बिठाई गई तो आप और आपके साथी वापस जेल जा सकते हैं। जेल जाने से पहले गुंडे थे और आज आप जब जेल से बाहर आए हैं तो बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीतकर एमएलए बन गए हैं, ये प्रजातंत्र की हार है या गुंडागर्दी की जीत है? देखिए जो कुछ भी हुआ उन सभी गलतियों को मैं स्वीकार करता हूं और अब उन गलतियों को सुधारना ही मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मैं हिंसा के रास्ते पे चलूंगा। यही फर्क देखिएगा कल के राणा में और आज के राणा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप जेल में थे आपने देश की तरक्की के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए थे जिस वजह से आप नौजवानों के बीच हीरो बन गए और पब्लिक में आपकी इमेज बढ़ गई। जब मैं देवस्थान में था तब वहां के मंदिर में एक चोरी हुई थी और उस मंदिर की जमीन को कुछ नेताओं ने हड़प कर लिया है। सबसे पहले उस गलती को सुधारना ही मेरा पहला काम है और उसके बाद ही आगे का भविष्य प्लान बनाऊंगा। नमस्ते मैडम, मैंने बहुत कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है, यहाँ तक कि मैंने बाथरूम भी चेक किया है। आप, 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 इतना बड़ा लीडर मैंने पहली बार देखा है, क्या लीडर हैं आप। मैडम मेरा वो प्रमोशन, सॉरी सॉरी मैडम। ये प्रोग्राम लिस्ट है, आप इसे देख लीजिए। दुर्गा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप अगर बाहर जाएंगे तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आपकी सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे सिक्योरिटी क्यों चाहिए? मैं कोई पीएम या सीएम तो नहीं हूँ, एक साधारण एमएलए हूँ। आपको ये सिक्योरिटी आपके पद के लिए नहीं बल्कि आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी इमेज के लिए दी जा रही है, आपके दुश्मनों से आपको बचाने के लिए। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा अतीत ही मेरा दुश्मन है और मेरी सोच मेरी दुश्मन है। कैसे हो राणा? नो सेंटिमेंट्स, अभी क्या करना है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, कल क्या हुआ मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। कल जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती, सॉरी। दुर्गा, 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 दुर्गा। ए दुर्गा, भाग मत, भाग मत, भाग मत बोला ना। अरे दुर्गा रुक, रुको। भाई दुर्गा के यहाँ आने से हमारे घर की रौनक और भी बढ़ गई है। ये सब छोड़ो, तुम्हारा समाचार कैसा है? कोई पूछने वाला नहीं है इसलिए जीजा जी ज्यादा उछल रहे हैं, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, लगता है मुझे उनसे बात करना ही होगा नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं उनसे बात करूं क्या? नहीं भाई, क्यों उनसे इस बारे में बात करके अपना अपमान करवाना चाहते हैं?
मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा, रहने दीजिए। धर्म कथा, जब तुम मुझे भगा कर लाए थे तब तुमने कहा था कि तुम मंदिर के झंडे पर मेरा नाम लिख दोगे और मंदिर के कलश पर मेरी बड़ी बहन का नाम लिख दोगे और तालाब की सीढ़ियों पर मेरी छोटी बहन का नाम लिख दोगे, लेकिन तुमने जो भी कहा था वो सब हवा में उड़ गया और मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ। आराम, मैं सिर्फ नाम के धर्म कथा की कीप हूँ और लोगों के लिए चीप हूँ। ये क्या बात हुई, खुशबू के लिए उसके पति ने मंदिर बनवाया था, मैं भी तुम्हारे लिए मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर का धर्म करता मैं ही रहूंगा। पिताजी कौन है? माँ ने आपको मंदिर में बुलाया है पूजा करने के लिए। ए, क्या रे, इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो तुम? ये जगह मेरी है, छोटी माँ बड़ी माँ ने पिताजी को बुलाया है ऐसा बोल। पिताजी, माँ ने आपको बुलाया है। अरे ये क्या, एक ही बात रटे जा रहा है, तुम्हारी बीवी ने इसे क्या खिलाकर पाला है? ए! अरे बाप रे, इसने इस गमले को नहीं मारा है, इसने मुझे मारा है। वो तो तुम हो इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया, वरना अगर तुम नहीं होते तो ये तो मुझे काट कर तालाब में फेंक देता। आपका इंतजार कर रही है, आप जल्दी चले जाइए। ए, मैं यहाँ से नहा कर आऊंगा, वो मंदिर आ जाए, ऐसा जाकर अपनी माँ से बोल जाओ। ए, कहाँ जा रहे हो? उधर जाकर राम बनते हो और इधर आकर कृष्ण बनते हो, मेरे साथ मजे करते हो और उसके साथ पूजा करते हो, मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हो और उसके ऊपर चंदन छिड़कते हो। कुछ भी हो जाए, मुझे पहला स्थान चाहिए और दुनिया में तुम्हारे बीवी से ज्यादा मेरी इज्जत करनी चाहिए, समझे तुम? इसलिए तुम सबके सामने ये कबूल करोगे, नहीं तो बेंगलोर के बशीर भाई के बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं, तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। रुक जाओ, तुम उधर मत जाओ। क्यों, क्या बात है? तुम सिर्फ कहने के लिए धर्मकर्ता की पत्नी हो और धर्मकर्ता असली इज्जत किसको दे रहा है, उधर देखो। ये जो मंदिर का कलश। छी, जब देखो मंदिर की बातें करते रहते हो, कभी अपने बारे में भी बातें कर लिया करो। तुमको पता चला क्या? तुमको तो एक और बात पता नहीं होगी, आज से ये जो आदमी है वो मेरा परमानेंट पति है। अरे पागल, तुमने ये क्या किया, ये कलश क्यों गिरा दिया? अरे धर्मकथा, ये देख, तेरी बीवी इसको सामने रखकर इसे क्या काम करवा रही है, ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। तुम इसे ठीक से संभाल नहीं पाए इसलिए ऐसा कर रहा है, देखा ना इसका तमाशा। अरे इधर आ रे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए आज ये फैसला होकर रहेगा कि मैं ही हूँ इसकी पहली बीवी। दूसरी बीवी कहकर अगर किसी ने मुझे बुलाया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ये धर्मकथा की जो पगड़ी है वो सिर मेरे ही सर पर होनी चाहिए, अभी यही इसी वक्त तुम मेरे गले में ये मंगलसूत्र बांधोगे, नहीं तो छोड़ दे, बहुत सारे मंदिर है और बहुत सारे धर्मकथा वेटिंग में है, ले बांध। अरे बांध, अरे तू मंत्र पढ़, सर्व मंगल मांगल्य, अरे तू ढोल बजा, तू बांध। रुको, रुक जाओ, छोड़ो, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, छोड़ो, तुम जाओ उधर, रुक जाओ, मैंने सुना, छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहा तू, छोड़, छोड़ दो, छोड़ इसे, छोड़, क्या है इसे, तू छोड़ दो। आंटी, किधर है, किधर है मंगलसूत्र? हाँ, ये इधर है मंगलसूत्र, ये ले, तू ढोल बजा, तू मंत्र पढ़, अरे ये ले, गले में बांध दे, नहीं तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। पति भगवान होता है, परमेश्वर होता है। चलो यहाँ से बेटा। पिताजी, मामा ने ऐसा क्यों किया? आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना आज से तू मेरी पत्नी है, ना आज से तू मेरा बेटा। आज से मेरी पत्नी है ये मंजुला और ये गौरव, ये अधिकार इसे ही मिलेंगे, मेरी पत्नी मंजुला को। मैं इस मंदिर का धर्म करता हूँ, आज से मेरे इस मंदिर में तुम्हें कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। क्या बताऊँ मालकिन, कल तक मैं आपके यहाँ हाथ बांध कर काम करती थी,
हमने आपका नमक खाया है, लेकिन आपको ऐसा देखकर मेरा दिल जल रहा है। चलो, छल छुपाने के लिए जगह तो मिल गई, अब ये चिंता खत्म हुई। अब तो मुझे बस अपनी बेटी की ही चिंता है। अब मुझे उसका ख्याल रखना है, वही मेरा सहारा है। स्ट्रांग टी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इस उम्र में पढ़ाई करने की बजाय यहाँ काम कर रहा है ये? अरे, इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़कर दूसरी औरत रख ली, इसी कारण ये गुस्से में है। अरे, आज के जमाने में कीप रखना तो मामूली बात है, इसे घर की औरत को एडजस्ट करके चलना चाहिए, लेकिन इसकी माँ को बहुत चर्बी है। ए राणा, अरे झगड़ा क्यों कर रहा है? ये ले चाय, जाकर पार्टी ऑफिस में देकर आ। नमस्कार साहब। ये क्या, आप सिगरेट के पैकेट में बीड़ी रखकर पी रहे हैं? अरे पागल, मैं इस बीड़ी को जेब में रखकर एमएलए बना और इस बीड़ी को सिगरेट के पैकेट में रखकर मंत्री बनना चाहता हूँ। मैं भले ही बदल जाऊँ, लेकिन मेरा ब्रांड नहीं बदलेगा। भाई नमस्ते कहेगा तो महालक्ष्मी, मस्ती करेगा तो जोध लक्ष्मी। तुम लोग मेरे साथ ही ऐसा करोगे, मैं तुम लोगों को देख लूंगा। ए भाई, तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम। ये दीपक टॉकीज, शारदा टॉकीज और हिंद माता टॉकीज को तुम सबको बंद कराओगे। क्या हुआ क्या हुआ? पहले एक टिकट बेचने में 1 रुपया कमीशन कमाता था, अब ब्लैक करने के लिए टिकट ही नहीं मिलता है। वो लोग खुद ही टिकट ब्लैक कर रहे हैं और मेरी छुट्टी कर दी है। इसलिए तुम असेंबली में जाकर इस विषय पर बात करो और तीनों थिएटर को बंद करवा दो, हमेशा हमेशा के लिए। ए पागल, इस तरह की छोटी छोटी बातें मुझे मत बताओ, अभी मैं एमएलए हूँ। टिकट ब्लैक करना छोटी बात है क्या? टिकट ब्लैक करके दारू बेच के खून करके तेरे जैसे खूनी को एमएलए बनाया, भूल गया क्या? क्यों नहीं भूलेगा। ए रेड रोज, इधर आ। हाँ इधर आ। तुम सब लोग मुझे छोटा आदमी समझते हो क्या? एसी बंगले में बैठ कर अगर धंधा करते हैं तो उसे एक रेट का बिजनेस कहते हो, और अगर इस गांव से बाहर 4 औरतों को रखकर धंधा कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ बोलो? रात होते ही पुलिस वाले अमला बिमला कमला शुभ लक्ष्मी, क्या शुभ लक्ष्मी, सबको पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। सोचता हूँ रात में रखकर दिन में छोड़ देंगे, लेकिन वो डे शिफ्ट में भी रख लेते हैं। वो सब सुपर फिगर वाली है, उसके लिए भाई लोग एडवांस देकर वेट कर रहे हैं। भाई जी, आप भाई जी को फोन करके उन लड़कियों को छोड़ने के लिए कहो। ए, मैं इन सब कामों के लिए मेरे बना हूँ क्या? और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? छी छी, अरे इन्हीं लड़कियों के वजह से तुझे टिकट मिला है और इलेक्शन लड़कर तुझे एमएलए सीट मिला है। जिन लड़कियों को सीढ़ी बनाकर इतनी ऊपर आया है, उन लड़कियों को लात मारेगा तो जमीन पर। रो मत रे, रोज रो मत, रो मत, रो मत। एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे आना चाहिए। मैं मंत्री बनना चाहता हूँ और इसके बारे में सोच भी रहा हूँ, और इस ट्रांसपोर्ट का नाम मैं बिगाड़ना चाहता हूँ। उसके लिए स्ट्राइक की व्यवस्था करो, अपने आदमी से कहो ट्रक लॉरी जो भी है वो सब तोड़ो, उसके लिए जो भी खर्चा आएगा उसे मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तोड़ूंगा सर। हाँ मैं तोड़ूंगा सर। कौन है रे तू? मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ सर, आपको जितना कहो उतना ही पास में तोड़ूंगा सर, मुझे बहुत सारा पैसा कमा रहा है। शाबाश, बहुत सारा। बहुत अच्छा भाई, ये तो अपना ही खून लगता है। इस तरह के स्ट्राइक के लिए इस तरह के बच्चे ही बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर ये बस तोड़ेगा तो हम पे कोई शक नहीं करेगा, अगर पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया तो हम जाकर नारा लगाएंगे कि पुलिस बच्चे पर अत्याचार कर रही है, और तू स्पीड से होम मिनिस्टर बन जाएगा, मेरा धंधा भी खूब चलेगा। बड़ा आदमी बनेगा, जा तोड़। माँ ये लो माँ, बस तोड़ने के लिए पार्टी वाले ने 100 रुपए दिए हैं। बेटा, माँ बच्चों को अपने खून से सींचती है, लेकिन बच्चे के खून से अपना पेट नहीं भरती। बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे शरीर से खून बहते नहीं दे सकती। माँ,
जेल से छूटने के बाद आप ही से मिलने के लिए सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं हुई। मेरे मन में एक बात है, वही पूछने के लिए आया था। माँ माँ मेरा अतीत ही मेरा दुश्मन है, कहीं कोशिशों के बावजूद इससे बच नहीं पाता। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, होम मिनिस्टर मुर्दाबाद। अरे ये लोग क्या कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो झगड़ा तुम लोग? तुम्हें क्या पता नहीं है, एक तो बोट का भाड़ा बढ़ा दिया और हम जो मच्छी सस्ते में खरीद कर लाते हैं उसे वहाँ महंगे में बेचते हैं। कल जाकर मैं लायर से मिली थी, उसने हमें बताया हमारे लोगों को समुद्र में कुछ हो गया तो फिशिंग आर्बर वालों को हर्जाना देना पड़ेगा, लेकिन वो सेठ मुझे कह रहा है कि वो हम लोगों को हर्जाना बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ ऐसा है क्या, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिल जाती हूँ। होम मिनिस्टर मुर्दाबाद, होम मिनिस्टर मुर्दाबाद। रिश्तेदार की बेटी होकर मुझे क्या सुख मिला? हाँ, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी आप ही अपने घर में रंगोली डाल रही हो। मुझे बहू बनाकर आप अपने घर लाओगी और रंगोली डलवाओगी तो ये रंगोली कितनी खेल उठेगी, तू ही बता रंगोली। ठीक कहा, घर साफ करना, दिया जलाना, रंगोली बनाने की बजाय जो हर वक्त कलेक्टर बनने की बात करके हमेशा बुक लेकर घूमेगी, ये सारा काम सास को ही करना पड़ेगा ना रंगोली। जो मवाली की तरह घूम रहा है उससे मेरे गले में मंगलसूत्र बंधवाओगी तो मेरी पढ़ाई थोड़ी ना रुक जाएगी, बोल दे रंगोली। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जिसे तुझे शादी करनी है उसे अपने हाथ में रखना चाहिए ना। तो फिर घर के बड़े लोग क्यों हैं? जब छोटे लोग कहेंगे तो हम लोग शादी करवा देंगे। हाँ, अगर एक सास बहू इस तरह से रंगोली से बात करती रहोगी तो कोई तीसरा उसे उठाकर लेकर चला जाएगा। देख दुर्गा,
तू क्या सोचती रहती है? सीधा तू राणा के हाथ से मंगलसूत्र पहन और अग्नि नक्षत्रों को देखकर फर्स्ट नाइट में सीधा घुस जा और उसके दिल में अपनी जगह बना ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लक्ष्मी माँ। ये फ्यूचर कलेक्टर और मैं एक रोड पे घूमने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों को एक होने के लिए सात फेरे कम पड़ेंगे। ऐसी बात है क्या? फिर मैं कलेक्टर बनने के बाद देख लूंगी। तू कितनी बड़ी कलेक्टर बन जा, इस अंगूठा छाप के सामने हाथ जोड़कर हिसाब किताब बताना पड़ेगा तुझे। यू? भाइयों बहनों, छोटे हो बड़े, सब लोग ध्यान से सुनो। डॉक्टर, लायर, एक्टर, कलेक्टर, सभी खाने वाले, जो उस ब्रह्मा से नहीं होगा वो इस मेरी आयुर्वेदिक दवा की वजह से होगा। इस काली बटली औरत को एक लंबा गोरा बेटा कैसे पैदा हुआ? मेरे पैदा होने से पहले मेरे मम्मी और डैडी ने पंजम सुरनम खाया था। ये दवा में जादू ही नहीं, चमत्कार भी है। वही कारण है ना माँ? चुप कर गधे, तेरे पिताजी से मैं ही गोरी थी। अब आ जाओ। ऐसा मत बोलो माँ, ये आयुर्वेदिक खानदानी है, ये अपना पारंपरिक अमृत लज्ञम है, चित्तू कुरिया लज्ञम, रद्दी भांग से बनाया हुआ, भांग ठंडी के मौसम में लोटे में बनाया हुआ ये लज्ञम। इसको खाने से थोड़ा सा अगर तुम दोनों पूर्णिमा में खाओगे तो, अगर उसमें पूर्णिमा में खा लिया तो अमावस्या में तुम दोनों को मिलना पक्का। हीरोइन ने चेहरा ढक लिया है। हीरो, तुम उसका हाथ हटाकर उसका चेहरा देखो, मंगलमय हो, खुशी से रहो। तू लज्ञम, थोड़ा लज्ञम। अपने रोमांस के लिए ये लड्डू नहीं चाहिए। स्टार्ट करूं क्या कलेक्टर मां? अरे बड़ा बेजार हो गया हूँ, जब देखो ये खाली, खोलो खोलो, प्राइम मिनिस्टर के साथ बिजी हूँ। ये क्या, तुम लोग महापुरुष के जैसे आए हो यहाँ पर? मैं अभी पालम ब्रिज की ओपनिंग करके आया हूँ। अरे वो ब्रिज तो कब का टूट चुका है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी ही पता चला है। ये क्या, अपने पैसे से माला और ये शाल खरीद के दिखावा कर रहा था क्या? बहुत सम्मान वाला हो गया है क्या? और अब तू कैंची और रिबन भी लेकर घूमने लगा है? ये नया धंधा शुरू कर दिया है क्या तू? अरे भाई, यही दिखावा करके मैं मंत्री की सीट हासिल करना चाहता हूँ। इसीलिए सब छोटा काम कर रहा है क्या? तुम्हारे सर के बाल बढ़ जाए, तुम्हारा दिमाग बढ़ जाए। अरे मेरे प्यारे, तुम्हारे जैसा होम मिनिस्टर अगर यहाँ आ जाएगा तो सारा कैबिनेट गंदा हो जाएगा। अगर तू भी आ गया तो पूरा तो सत्यानाश ही हो जाएगा। क्यों, इधर मेरे ही बारे में चर्चा हो रही है क्या? ये क्या रे, घर के पीछे रस्सी डाल के चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? चल हट, सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर रहा है। पता है, एग्रीमेंट के मुताबिक अगले 15 तारीख को मैं चीफ मिनिस्टर बन के झंडा फहराऊंगा, इसलिए मैं झंडा फहराने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? ये तेरे दिमाग में जो चोटी है ना, उसके लिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ज्यादा है। आहा। इस बार चीफ मिनिस्टर मैं बन जाता हूँ, अगली बार तू सीएम बन जाना। ये जो पद है वो तुमको शोभा नहीं देगा, तू तो कोयले के जैसा एकदम काला दिखता है। सीएम की पोस्ट के लिए तू बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ए पागल, तेरी चोटी काट लूंगा मैं। अब आप रुकिए, ये देखिए, अगर सीएम नहीं रहेगा तो सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगे। लम्बू, ये वार्निंग देने का टाइम है क्या? भाई जी, मेरे 76 एमएलए की सपोर्ट की वजह से आपकी सरकार चल रही है। अगर इस बार मुझे सीएम का पोस्ट नहीं दिया तो मैं सपोर्ट वापस ले लूंगा और तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। मैं अपने सभी एमएलए को ठहराने के लिए होटल में कमरा बुक करके आया हूँ। अरे तेरे पास तो सिर्फ 76 एमएलए हैं और मेरे पास तो पूरे 96 एमएलए हैं। इस बार तो मैं ही सीएम बनूंगा। अगर इस बार मुझे सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो मैं सारे एमएलए लेकर गवर्नर के पास जाऊंगा एसी बस में। मेरे सीएम होने की वजह से तुम लोगों की इतनी इज्जत है, अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहोगे तो मैं टोटल असेंबली भंग कर दूंगा। तब तक क्या मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठूंगा? देख मैं कैसे सारे एमएलए को अलग करके तुम्हारी सरकार को गिराता हूँ। तू कल की बात कर रहा है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज सारे एमएलए को लेकर सरकार गिराता हूँ और सीएम बन जाऊंगा। अगर मैं एक घंटे घंटे तुम दोनों को डिसमिस नहीं किया तो देख लेना। इसकी पार्टी का चिन्ह देखो तो ऐसा लगता है जैसे रोड पर बैठकर भीख मांग रहा है। टकले की पार्टी में एक भिखारी सीएम, एक मारूंगा तो मर जाएगा। एक गाड़ी निकाल रहे। हेलो गवर्नर साहब, आज से मैं होम मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर को पद से बर्खास्त करता हूँ। आज गवर्नमेंट को बताएंगे हमारे पास क्या शक्ति है। मैं सीएम बनूंगा और लेडीज के लिए तुम नेता बनोगी। जाओ चलो। अरे रुको रुको रुको, मुझे भी अपने साथ रख लो, मुझे भी अपने साथ रख लो, मुझे भी अपने साथ रख लो। अच्छा, सीएम बनने के बाद मुझे मंत्री का पोस्ट दोगे ना?
अरे वो सब बाद में देख लेंगे, पहले तुम जाओ, जल्दी जाओ, अंदर जाओ, तुम जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। अरे तुम जाओ, तुमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, जाओ। और मेरा हाँ हाँ, वो कंडक्टर के पास है, जाओ उसके पास जाओ, तुमको आइस डाल के देगा, जाओ। जल्दी जल्दी उतरो, उसके देखने से पहले हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। यहाँ पे हमने अपना चेहरा दिखा दिया, पता नहीं कौन सीएम बनेगा, जल्दी उतरो। अरे अरे अरे, ये मुझे हाज़िम नहीं हो रहा है, मैं सीएम बन कर रहूंगा, तुम लोग साइन करो। मैं सीएम बन कर रहूंगा, मैं गवर्नर को बताऊंगा, मैं सीएम बनूंगा, सेक्रेटरी। यस सर। सरकार ने तूफान में हर जाने के जो पैसे दिए हैं, उस पैसे से मैं सबको घर दूंगा, पंप सेट दूंगा, साइन करो, साइन करो। सर, मैं आ गया आपकी पार्टी में, मैं आपकी पार्टी में आ गया। सीएम बनने के बाद मुझे मंत्री की पोस्ट मिलनी चाहिए। उधर जाके साइन कर सर, बाथरूम के टिश्यू पेपर में साइन ले रहा हूँ आप। अरे ये देख रहा, तेरा काम नहीं, तू साइन कर, बाथरूम की बात करता है। क्या क्या कहा तुमने? स्वामी जी को सिंगापुर में अरेस्ट कर लिया गया है, यूरिया केस में। क्या उसे इंडिया भेजने वाले है? क्या सच में? हे भगवान, गवर्नर के पहुँचने से पहले किसी का मन नहीं बदलना चाहिए। हेलो, फ्यूचर का सीएम चक्रवर्ती बात कर रहा हूँ। स्वामी जी को सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया गया। अरे अरे, स्वामी को अरेस्ट कर लिया क्या? स्वामी, स्वामी जी, स्वामी। हेलो। अरे भाई, स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ। आप लोगों को भी अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? अरे तुम सब लोग बैठे क्यों हो? चलो चलो, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। स्वामी, स्वामी, स्वामी को अरेस्ट कर लिया है। सीएम सर, सीएम सर। देखो तुम जाकर सीएम बन जाओ, मैं कहीं जाकर छुप जाता हूँ। अरे इस वक्त स्वामी को अरेस्ट कर लिया है, मैं सीएम बनूंगा तो मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तुम्ही सीएम, सीएम बन जाओ, तुम्ही सीएम, तुम्ही रहो। नहीं, तुम्ही सीएम बन जाओ। सीएम साहब, सीएम साहब, सब गया, सब कुछ चला गया। स्वामी सर, आपकी धोती गई, धोती गई। नहीं, सुमे सीएम बनना पड़ेगा। सीएम साहब, अरे हम स्वामी को अंदर कर दिया। अरे ये सब क्या करके आ गया है, सब कुछ निकाल कर आ गया है। अरे इसको टॉवल दो, इसको टॉवल दो, टॉवल लपेटो, नहीं तो। सीएम साहब, स्वामी को वापस आने तक आप ही सीएम बन कर रहो। अरे क्या कह रहे हो तुम? नहीं, नहीं, तुम ही सीएम बन जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं बन सकता। आप दोनों में से कोई फैसला करो। बदमाश, चोर, उचक्के, मिनिस्टर, मिनिस्टर के बच्चे, स्वामी को आदर बंद करके रखना पड़ रहा है कि रखे तक को जेल में रखा है। ये क्या, स्वामी को आदर बंद करके रखना पड़ रहा है, पुजारी को बंद करके रखना पड़ेगा, परसों भगवान को भी जेल में बंद करके नौबत आ जाएगी। स्वामी, आप पूजा करके गंगा जल पीने के बाद आप इस यूरिया केस में छिया, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों फंस गए? अगर आप यही इंडिया में करते तो लोग आपके सामने भजन गाते। अच्छा हुआ तू दूसरे देश की जेल में फंस गया, ये लोग तेरा बाजा बजा के इधर भेज दिए। अभी मुझे बहुत जल्दी काशी जाना है। काशी के बाथरूम के पास है, बहुत दूर है। मैं काशी विश्वनाथ पे जाकर ये बोलने वाला हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो पाप किया है वो तुम्हें माफ कर दे। कितना झूठ बोल रहा है। हाँ। स्वामी प्रेम, काशी गोइंग यू लिविंग? नो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है स्वामी, टोटल सिंगापुर वालों के हाथ में है। मुझे भेजने वाले ये कौन है? मैं खुद पंछी की तबूत करता जाऊंगा, मेरी शक्ति के बारे में तुम्हें नहीं मालूम। यही अच्छा काम है, फिर कोई केस ही नहीं रहेगा। आ, 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 अरे स्वामी, आप इतनी जल्दी कबूतर बन गए? क्या आपका ये 11वां अवतार है? अच्छी, नहीं, ये तो प्रसाद है, कले के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे कौन रोक सकता है? आपको कौन रोक सकता है स्वामी? मैं सात समंदर पार कर सकता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप बड़े बड़े नालों को पार कर लोगे? मुझे श्राप मत देना स्वामी, मेरी 3 बीवी हैं, लेकिन मेरा एक भी बार प्रमोशन नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए मैं ही भजन गाता हूँ, स्वामी जी राम राम राम, राम 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 स्वामी जी। कबूतर तो कबूतर है, स्वामी जी तो अंदर है। ए! सिंगापुर पुलिस ने जो तुम्हें मारा वो काफी नहीं हुआ, अब मैं तुम्हें आकर मारता हूँ। ए! मुझे बेवकूफ बनाता है क्या? एक कबूतर की सब्जी बनाओ और स्वामी जी की बुर्जी बनाओ। आ गया, आ गया। मैंने कहा था ना, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आया है। हम दोनों ना फिल्म देखने जाने वाले हैं, मुझे लेने के लिए वो आया है। मैं उसकी साइकिल पे बैठकर एडल्ट फिल्म देखने जा रही हूँ। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, ये तुम किसको बताना मत।
क्या हुआ? मैं गिर गई पत्थर पर, ये हड्डी टूट गई, पता नहीं फ्रैक्चर हो गया है शायद, कुछ पता नहीं चल रहा। तुम हाथ लगा के देखो ना, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई है? हॉस्पिटल लेकर चलते हो क्या जल्दी से? ले चलो ना मुझे हॉस्पिटल। चल पीछे बैठ। छे, मुझे पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं आगे बैठूंगी। फिर पैंडल दबाने में बहुत मजा आता है, मेरे को भी कंफर्टेबल रहेगा डंडे पर बैठने में। अच्छा आगे बैठ। मैं तो रस्ते से जा रही थी। चलो ना अब पैंडल दबाओ। अरे इसने तो सारे हाँ पटा लिया। वो देखो वो मवाली गुंडा कैसे साइकिल पे लड़की को बिठा कर ले जा रहा है, बिल्कुल वो अपने बाप की ही तरह है। अभी तू उसके बारे में अच्छी तरह से समझ जा, मैं ये सब तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। धीरे चलाओ ना गिर जाएंगे। धीरे चलाओ, धीरे चलाओ गिर जाएंगे, धीरे चलाओ ना, धीरे चलाओ, संभाल कर चलाओ ना, धीरे चलाओ गिर जाए। अरे साइकिल खड़ी की आधा घंटा हो गया। अरे हाँ मुझे तो दर्द हो रहा है। राणा नेताजी तुम्हें अर्जेंटली बुला रहे हैं। पार्टी ऑफिस में बुला रहे हैं। ए साइकिल चला के तो खुद ही पहुंचे हॉस्पिटल। क्या गंगा वो आदमी छोड़कर चला गया, मैं साइकिल चलाऊं क्या? जरा साइकिल पकड़ना। हाँ। अरे बुड्ढे तू इस उम्र में साइकिल चलाएगा? ये क्या, इतनी छोटी सी बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं आप? उस स्वामी को बाहर निकालने के लिए हमें पूरे देश को एकजुट करना होगा, आवाज उठानी होगी, नारा लगाना होगा। स्वामी जी जिंदाबाद, स्वामी जी जिंदाबाद, स्वामी जी जिंदाबाद। आ जाओ, आज देखता हूँ ये कॉलेज कैसे चलता है। ए, तुम सब घर जाओ, चलो इस कॉलेज में आके क्या पढ़ते हो, चल भागो, चलो चल चलो यहाँ से। उधर स्वामी जी की जेल में अग्नि परीक्षा हो रही है और तुम लोग यहाँ कौन सी परीक्षा दे रहे हो? कोई परीक्षा परीक्षा नहीं होगी, चल जाओ चलो। चलो स्वामी जी के रिलीज होने तक कोई कॉलेज नहीं चलेगा, चलो यहाँ से। कॉलेज में इस तरह गुंडागर्दी करोगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा क्या? बड़ा एग्जाम देने आई, तू पढ़ाई करके के देश संभालने वाली? देखो अपनी उम्र होती जा रही, शादी कब करोगी? वो जाकर मेरे बाप से पूछ। हाँ? तेरे बाप से पूछूंगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसा बोलेगी तो आराम से बैठूंगा क्या? क्या कर लेगा? क्या करूंगा? तू अगर मेरे पिताजी का गला पकड़ के उनको मारेगा तो वो देखेंगे क्या? क्या उखाड़ लेंगे? हेलो पुलिस स्टेशन, ये बच्चे लोग का पढ़ने कॉलेज है या असेंबली है? कैसे चप मारता हूँ मैं, देखो बगैर परमिशन के ये क्या हो रहा है? अरे क्या मेरे कोई मार रहा है, कौन है ये? अरे वाह चलो अच्छा हो गया, सब लोग चले गए, पपी दे दो ना एक, चलो प्लीज 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 दे दो ना एक पपी, एक सिर्फ एक। हे तू उधर मुझे मारा मारी करने कहकर इधर रोमांस कर रहा है? हम लोग लव नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे थे। तू जा तू जा तू जा, तू जल्दी आ, तू जल्दी आ, जाना चल भाग। देखो वो चला गया, अब तो एक कॉपी दे दो ना प्लीज दे दो ना, अरे एक दे दो ना एक। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं बोला ना मैं आ रहा हूँ, तू जा तू जाना, अरे मैं बोला ना तू जाना यार, मेरी बात सुन। अरे दे दो ना अब तो गया, ओ पप्पी दे दो ना प्लीज प्लीज, जल्दी से दे दो। अरे क्या करती है जल्दी पप्पी, जल्दी आना। अरे बाबा तू जाना मेरे बाप, तू जाना ऐसे, मैं बोला ना आ रहा हूँ तू जा इधर, देखकर जल्दी से बाहर भेज। गया, अरे अब तो मान जाओ पप्पी दे दो ना प्लीज, एक पप्पी दे दो जल्दी से, कोई नहीं है अभी, देखो अब तो कोई नहीं है, दे दो प्लीज प्लीज दे दो। अरे अब कौन आ गया, कौन आ गया? ओपन, दरवाजा खोलो, ओपन। अरे क्या गलती की जिसके लिए मुझे मारा, मैंने जो देखा उसके लिए मारा गया। हमारी मांगे पूरी करो, स्वामी जी को रिलीज करो, स्वामी जी चलो, स्वामी जी को रिलीज करो, स्वामी जी को रिहा करो। शांत रहो शांत रहो, तुम लोग नारा किसे लगा रहे हो? मैं यही करूँ, क्या कर रहे थे तुम? स्वामी जी को कब रिलीज कर रहे हैं ये पूछना था आपसे, कितने दिन लगेंगे आपको सोचने के लिए? कहना कि हम सोच रहे हैं स्वामी जी को अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा अच्छा नहीं होगा, हमारी शक्ति का आपको अंदाजा नहीं है। कैसा चल रहा है काम धाम? सब कुछ ठीक चल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। अगर ये स्ट्राइक और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मंत्री पर हाथ उठाओ। क्या आपको मारूं?
एक मंत्री को मारेगा तो ये स्टाइक और स्ट्रांग बनेगी। मार, मारो। मैं क्या मिनिस्टर को मारूं? मारो उसको। मारो। मिजी का मैं मिनिस्टर को मारूंगा तो भस जाऊंगा। मारो उसको जाके, मारो। स्वामी जी की जय हो। आप जो देना चाहते हैं वो मेरी औकात नहीं है, मैं सिर्फ देखने में ऐसा हूँ, लेकिन ये अंदर से भी स्ट्रांग है और बाहर से भी स्ट्रांग है। अरे सीएम साहब ने तेरे लिए एक तोहफा भेजा है, ले 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 ले, ले। बालू काटना है क्या? स्वामी जी की। अरे 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 मेरा फूल, मेरा फूल। अरे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। अरे मेरा फूल, अरे रे मेरा फूल। राम 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 सीता राम राम। चला डाल कपर तेज, डाल इस पे रॉकल, डाल दे इस पे। स्वामी जी की रिहाई के लिए लोग जगह जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं, आत्मदाह तक कर रहे हैं। देशवासियों की भावनाओं को समझते हुए स्वामी जी को जमानत पर बाइज्जत छोड़ दिया जाए, सरकार ने यह फैसला किया है। जी, इस स्वामी जी को पब्लिक भगवान मानती थी और स्वामी जी को देखकर नेता लोग डरते थे। अभी कौन क्या है समझते नहीं और कुत्ते की तरह जेल में बंद करते हैं। वक्त आ गया, ये दुनिया मिटने वाली है। ये लीजिए स्वामी जी, आपका भांग भी आ गया। ताजा है क्या? हाँ एकदम अमृत। स्वामी ये यूरिया मैटर कहाँ तक आया है? ठीक, पेमेंट दिया है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम जैसे लोगों के साथ व्यापार करके मैंने गलती की, ये मेरी बेवकूफी थी। फोन टेप किया जा रहा था, मैंने कहा यूरिया मत बोलो, रुद्राक्ष बोलो, लेकिन तुम लोग यूरिया यूरिया रटते रहे। तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया इसलिए मैंने फोन अच्छी खातिरदारी की। तुमने अच्छी खातिरदारी किया। क्या है लोग छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? स्वामी जी, पब्लिक में तुम्हारा नाम बहुत बिगड़ चुका है। अगर तुम्हारा नाम अच्छा रहेगा तभी हम लोगों का नाम भी अच्छा रहेगा। तुम्हें पब्लिक को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे जो विरोधी हैं उन्होंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें अपनी बात रखनी होगी और लोगों के सामने जुलूस निकालना होगा। क्या जुलूस? हाँ जुलूस। महाजनता मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म को मिटाने के लिए ये विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। मेरे जैसे निरपराध भगवान के भक्त को जब लोग दोषी कहते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं, तो अपने जैसे भक्त का दिल खून के आंसू रोता है। विभूति लगाने वाले और रुद्राक्ष पहनने वाले को यूरिया का इल्जाम लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। अगर ये कोई साबित कर दे कि मैं गुनहगार हूँ तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूं मैं अपनी जान देने के लिए। ये क्या किया तुमने? इस तरह की जल्दबाजी क्यों की? हमारी पार्टी को गिराने का षड्यंत्र है। तुमने क्यों उन लोगों को गोली मारी? तो क्या करता, स्वामी जी को गोली मार दे, मैं देखता रहता। इतना ही नहीं, उसके पीछे जिसका हाथ है उन सबको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं एक को भी जिंदा। तुमने जो किया है लोग तो यही सोच रहे हैं कि तुमने ही स्वामी जी को मारा है। इस वजह से अपनी सरकार का नाम खराब हो गया है और मैं इससे कैसे बाहर निकलूं ये सोच रहा हूं। तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, तेरे लिए अच्छा होगा। इस मुसीबत में पड़ना तुम्हारा काम नहीं है। जब तक मैं ना कहूं तुम बाहर मत आना। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और गौर करना। ओहो इधर है क्या? आकर हाथ धो के खाना खा ले।
थोड़ी देर हो गई तो गुस्सा मत कर। अरे उधर कहाँ बैठ गया है, कोई देख लेगा तो छुप जा, छुप जा। चल बंद कर। हाँ। ओड़। हाँ। देख मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं ऐसा करता हूँ ये बोट लेके लंका चले जाता हूँ, जा तू उसको बता दे। तुम बात बात पे इस तरह धमकी देते चिल्लाते क्यों रहते हो? इसी वजह से तुम्हें 4 दिन का रेस्ट मिला है और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम्हारी सेवा का मौका मुझे मिला है, तुम जो कहोगे मैं। देख ज्यादा बोल मत, चुपचाप खाना लगा, मेरी माँ डर रही होगी, तूने उसे जाकर देखी कि नहीं? हाँ? देख जाकर बोलना मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता न करे। दुर्गा हायर स्टडीज के लिए जाने वाली थी, गई कि नहीं? देख कर आती हूँ। अच्छा वो सब तो ठीक है, मैं आज रात इस बोट में ही रह जाऊँ क्या? इसलिए ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, तुम्हें नींद आएगी तो मैं लोरी भी सुनाऊंगी, और तुम्हें जो काम पसंद आएगा वो सब मैं करूंगी, बोलो मंजूर है? पहले मुझे खाना खाना दे, फिर बाद में जो काम करना है कर लेना। हाँ? क्या बोला? ए, ये क्या दिन में भी सपने देख रही है क्या? जो काम करने आई थी पूरा हो गया, चल जा, जाकर सीधे पार्टी ऑफिस सीएम से बोल के मैं ऐसा नहीं रह सकता यहाँ पर, कल तक जवाब नहीं आया तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, एक पल भी यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैटर सीरियस है। ए, क्यों चिल्ला रही है? लगता है पैर में कांटा चुभ गया है। ला देखो। ए, चुप, इतनी छोटी सी बात के लिए चिल्ला रही है? इतनी जोर से कांटा चुभा है, ये छोटी बात है क्या? सीधे बैठ, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, सीधे बैठना। तुम्हें बराबर दिख नहीं रहा है, फिर हिलने से मना कर रहा है, हिलूंगी नहीं तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। ज्यादा हिल मत, मैं जो बोला बोल देता हूँ। जिस जगह पर दर्द हो रहा था वो बिल्कुल सुन्न हो गया है ना, अब तुम ही कुछ करो, मैं कुछ नहीं बता सकती। चल जा अब। हो गया। कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई रे बाबा। ए, नखरे बंद कर, ऑफिस में वही बोलना जो मैंने कहा है तुझसे। ठीक है, रात में जल्दी आऊंगी। हाँ ए, तेरा उसके साथ क्या संबंध है? हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, उसे खाना लाकर देने वाली तू कौन होती है? हाँ मैं तुझसे भी ज्यादा नजदीकी हूँ उसकी, इसीलिए पार्टी वालों ने मुझे उसकी सेवा की जिम्मेदारी दी है। क्या? तू मुझसे भी ज्यादा नजदीकी है? हाँ। तू रिश्ते में उसकी करीबी हो सकती है लेकिन बेडरूम में मैं हूँ। हाँ? इस महीने हम दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ सच्ची, उन्होंने कहा था कि वो इस महीने मुझसे शादी कर लेंगे। एक दिन वो शराब पी कर आए थे, वो बहुत नशे में थे और फिर उन्होंने मुझे छुआ था और फिर जो नहीं होना चाहिए था ना वही सब हो गया। छी छी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। पेट बड़ा करके मंडप में बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर उन्होंने मुझे बच्चा गिराने के लिए कहा था, इसीलिए वो मुझे साइकिल पर बैठा कर ले जा रहे थे। मेरा ना मन ही नहीं मान रहा था उस चीज के लिए, इसलिए उन्हें आधे रास्ते लौटा कर ले आई। उतने में ही उन लोगों ने कह दिया कि उन्हें बाहर नहीं आना है। हे भगवान, मैंने आपको ये कैसा सीक्रेट बता दिया है? आप किसी से कहना मत हाँ प्लीज, वरना मेरे साथ साथ मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी अनाथ हो जाएगा ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दुर्गा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ इस तरह चोरी से छुपने की बजाय तुम पुलिस के आगे अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते हो? इस तरह कब तक भागते फिरोगे? अगर वाकई में गुनाह किया होता तो मैं ये तुम्हें कहने का मौका नहीं देता बल्कि अपने आप को सरेंडर कर देता। ओहो, इसका मतलब तुमने कोई गुनाह ही नहीं किया है। तुमने जो राजनीति में खून किया है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो गर्भ से है गंगा, मैं उस गंगा की बात कर रही हूँ। क्या गंगा गर्भ से? अरे इस तरह चौंक क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं पता गंगा के पेट में जो बच्चा है उसके बाप तुम हो? दुर्गा क्या बक रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। क्या तुमने उससे शादी का वादा नहीं किया था? तुम उसके गर्भ के बच्चे को गिराने के लिए उसे साइकिल पर नहीं ले जा रहे थे क्या? फिर मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया?
मेरे दिल में अपने लिए प्यार क्यों जगाया तुमने? मैं समझ रहा था तुम अब तक मजाक कर रही हो, लेकिन तुम तो इस रिश्ते का मजाक उड़ा रही हो। अच्छा, मैं मजाक उड़ा रही हूँ? ये सब मुझे गंगा ने बताया था। क्या दुर्गा ने ये सब बताया? ये बात मेरे सामने बोलने के लिए बोलो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा मतलब जो निकल गया, अब वो तुम्हारे सामने आएगी तो तुम उसे मार भी सकते हो। वैसे भी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे बाप के जैसी है। अपनी इस बुद्धि से तुमने जाने कितनी लड़कियों को कीप रख सकते हो, कितनों को मार सकते हो। हम लोग सारथी को जहाँ बोर्ड पर छिपा कर रखे हैं, उसे और कितना दिन छुपा कर रख सकते हैं वहाँ? आखिर आप लोग करना क्या चाहते हो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चुप कर, टेंशन मत ले। देखो राणा, इस केस में फंस तो गया है, क्यों ना हम लोग उसे मार देते हैं। नहीं, उससे अभी बहुत सारा काम करवाना बाकी है। हाँ, क्योंकि अपने राणा के पास नौजवानों का पूरा सपोर्ट है, और उसका सपोर्ट हमारी पार्टी को चाहिए ही ना। अगर हम उसे मिला लेंगे तभी हम सीएम बन सकते हैं। जिस दिन राणा को ये पता चल गया कि स्वामी को हमने मारा है, तो हम लोगों का क्या होगा ये आप लोगों को नहीं पता। वो बोर्ड से निकल कर रोड पर आएगा और हम सबकी खटिया खड़ी करेगा। क्यों रे, क्या छिपकर सुन रही थी? किसको बताएगी? बोल। क्यूरी लड़की, तूने सारी बात सुन ली है ना? अब जाके तू राणा को बता दे। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आप लोग हम लोगों को जाने दीजिए, हम इस गांव से दूर कहीं चले जाएंगे। हम लोग ये सब छोड़कर दूर चले जाएंगे। अरे मेरी सोने की चिड़िया, हम लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और तुम उसके बारे में सोच रही हो। वैसे भी हमारी पार्टी की सीक्रेट जब कोई जान जाता है तो हम लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी का रूल है। अरे रे 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 रे, क्या आश्चर्य है, जो कल तक एक ज्वालामुखी था वो आज कैसे बर्फ की तरह पिघल गया है। अरे अरे हा? ये तो अपना राणा है, मैं तो समझ रहा था कि ये कोई दूसरा आदमी है। अरे राणा, अब हमारी पार्टी पहले जैसी नहीं रही, अब हमारी पार्टी का वेट बढ़ गया है। मुझे भी एक अच्छा पोस्ट मिला है, मंत्री लोग तुम्हें देखना चाहते हैं राणा, क्यों ठीक है ना? अरे भाई, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे तो पूरा नौजवान समुदाय है। हम लोग अपनी पार्टी तुम्हारे हवाले करके काशी रामेश्वरम जाकर अपनी नाक पकड़कर ध्यान करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आज की बात, आप लोग लूट मार और खून खराबा सब बंद कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, तो आप लोगों ने देवस्थान में मंदिर की जो जमीन हड़पी है उसे वापस कर दिया, मूर्ति का जो हार। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, आप लोगों ने चुराया कल सुबह तक मूर्ति में लग जाना चाहिए। अरे रे 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 रे, तुम फिर से वही राग अलाप रहे हो। अरे राणा, मुझे देखो, मैं किसी काम का नहीं था, फिर भी इन लोगों ने मुझे राज्यसभा का मेंबर बना दिया है। अगर तुम हाँ कह दोगे तो ये लोग तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। तुम लोग जाओ और जो गलती की उसे मान लो, और अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें मानने के लिए मजबूर करूंगा। अरे जब तू बहुत छोटा था और जब अंगूठा चूसता था तभी पैर से मसलकर मारा है बहुतों को। मैं चाहूं तो तुम्हें भी धूल की तरह से उड़ा सकता हूं, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, बोलना मेरा काम था, फैसला करना आप लोगों के हाथ में। जाइए। ठीक है, जाते हैं, जाते हैं। तुमसे जो बन पाता है कर लो, हम भी देखते हैं तुम हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। जरा बाजू हटिए प्लीज। देखिए, आइए सर,
देख के चलना। रुकिए, ये क्या गड़बड़ है, कहाँ जा रहे हो? दर्शन के लिए। ये सीएम साहब के भाई है, अमेरिका से आए हैं, और हमको रोकने वाली तुम कौन होती हो? इस देवस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ मैं। ओहो, तो सुनो ऑफिसर, इन्हें डायरेक्ट दर्शन करवाना है। ए, वो धर्म दर्शन रोक दो। रोको कह रहा हूँ ना। अरे सुनिए पुजारी जी, स्टॉप इट। हर काम का एक तरीका होता है। गुरु मूर्ति इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दर्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके रिश्तेदारों को, चाहने वालों को और तुम्हारे जैसे गुंडों को लाइन में खड़े होकर ही दर्शन करना पड़ेगा। आम आदमी की तरह टिकट खरीद कर लाइन में आइए। नहीं खरीदेंगे, क्या कर लोगी? उस जेल कांड में तुम्हें तुम्हारे भाई ने सजा से बचा लिया होगा, इसलिए घमंड में हो। हर जगह तुम अपना गुंडा राज चलाने की कोशिश मत करना। ये देवस्थान है। क्या इस मंदिर की दीवारें इतनी मजबूत हैं? देखता हूँ। तुम्हारे परमिशन की हमें जरूरत नहीं है। कौन सा काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। ए रुको, पुजारी जी ठहरिए, आप आइए। सर ठहरो। सर आइए ना। अरे सर, आप सुनो तो सही। इंडिया के सीबीआई ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जजेस बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। अमेरिका से निकले थे तब हम सीएम साहब के रिश्तेदार हैं सोचकर घमंड से आए थे। इंडिया आने के बाद हम सीएम साहब के रिश्तेदार हैं कहते हुए डर लग रहा है। यहाँ राजनेता का नाम लिए तो बस हवाला दिवाला का केस लगाकर कोई भी हो अंदर कर देते हैं। अब अगर तुमने झगड़ा किया तो समझ जाओ, सीएम साहब के रिश्तेदार मंदिर में झगड़ा किए कहकर तो मूर्तियों की चोरी का इल्जाम लगा देंगे हम लोगों पर। और अगर एक बार केस के चक्कर में पड़े तो समझ लो यहीं पर इंडिया में जिंदगी भर जूते खींचते रह जाएंगे। सर वैसी बात सुनिए ऑफिसर साहिबा, जब तक हम लोग इंडिया में रहेंगे हम लोग भी क्यू का पालन करेंगे। ग्रेट इंडिया, लेट अस गो इन क्यू। सर सर मेरी बात सुनिए सर, मेरे साथ चलिए। हमें छोड़ दो बाबू, हमें जाने दो। सर मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। ऐसी बैड हैबिट्स नहीं है बाबू, लेट अस गो, कम ऑन, कम ऑन। सर सर मैं इस स्थान की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, तुम्हारी गुंडागर्दी मैं यहाँ नहीं चलने दूंगी। देख रहे ना सर, आप लोगों की तरह मैं भी कंट्रोल लेकर खड़ा हुआ हूँ। जानते हैं आप, राणा के केस से मैंने आप लोगों को बचाया था, तो मेरे प्रमोशन का क्या हुआ सेठ जी? अरे तुम्हारा प्रमोशन तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। वैसे मेरा पोस्ट क्या है? तुम योग्य इंस्पेक्टर हो, सत्यमंगलम में मैंने तुम्हें हाई पोस्ट दिया है। जाओ जाकर वीरप्पन को पकड़ लो। ऑर्डर कब भेजूं? सर अगर भेजना ही है तो वो ऑर्डर सोने की थाली में भेजना। पर क्यों? क्योंकि अगर वीरप्पन ने मुझे मार भी दिया तो वो सोने की थाली बेचकर मेरे घर वाले जी लेंगे। जंगल भेजने की बात करके मुझे मौत के घाट उतार रहे हो सर। फालतू की बातें मत कर, मुझे किसको क्या देना है मुझे पता है, तो इधर बार बार बता, चल जा। अरे जाना, जाओ। सर चेयरमैन के पोस्ट की बात हुई थी ना, उसकी कीमत 50 लाख है सर, उसमें से 3 कम कर दो सर। ये तुम्हें सब्जी बेचने वाले लग रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, 2 कम कर दो, 3 कम कर दो। आइए सर, प्रमोशन देता हूँ कहकर उन्होंने मुझे लूज मोशन दे दिया। बहुत खुश होकर जा रहा है, तुम उन लोगों से चंदा मांगने जा रहे हो क्या? अरे वो खुद एक भिखारी है, तुम्हें क्या चंदा देंगे? जब मैं कांस्टेबल था तब वो सीएम था ना, मैंने उसे रोड पर 3 बार अरेस्ट किया था। हाँ, और वो जो है ना मोटा सा, काला सा, भद्दा सा, वो सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक किया करता था। मैंने उसको पकड़ कर क्या धोया था। हाँ, और जो छोटा सा मोटा सा ना, तो चोटी में फूल लगा कर रखता है, वो पहले क्या कर रहा था पता है? झाड़ के पीछे खड़े होकर लोगों से कहता था, आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या? और वो, मैं उसको 3 बार अंदर कर चुका हूँ, और आज वही लोग मुझे देखकर थू थू कर रहे हैं, मुझसे कहते हैं वीरप्पन को पकड़ो, वीरप्पन को पकड़ो, वीरप्पन को पकड़ो। अरे अगर उसने मुझे गोली मार दी तो। अरे तू इनके बारे में क्या गलत बोल रहा है, इनके बारे में तुम क्या जानते हो? ये ब्रिटिश के जमाने में तोपे सर दिए हुए लोग हैं, ये इतने शक्तिशाली लोग हैं जिन लोगों ने तुम्हें रोड से उठाकर इतनी ऊंचाई पर लेकर आए हैं। ऐसे भगवान को तुम भिखारी कह रहे हो, इनको तू गुंडा, मवाली, लुच्चा, लफंगा कह रहा है, और आज वही लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है मुझे सब कुछ मालूम है, तो इस मैटर को चैन मत कर, जा यहाँ से, जा, भाग यहाँ से, भाग, चल भाग यहाँ से, भाग, भाग। नमस्ते सर। मुझे फंसा करके देवस्थान में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। आप ये बताइए, दुर्गा ऑफिसर बन गई है, अपनी गवर्नमेंट का वहाँ पे पावर चलता है कि नहीं? अरे उस देवस्थान के चेयरमैन पोस्ट अपनी सरकार की है। ऐसी बात है तो पोस्ट मुझे चाहिए। तिरुपति का प्रसाद है क्या? चुप रह तू। पोस्ट की क्या बात कर रहे हो, इससे बड़ा पोस्ट ले लो तुम। मुझे दूसरी और कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे देवस्थान के चेयरमैन की ही पोस्ट चाहिए बस। मुझे उस ऑफिस में सबसे बड़ी पोस्ट चाहिए, दुर्गा मेरे पैरों के नीचे होने चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानता। वो पोस्ट दोगे कि नहीं? अरे राणा तू मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा क्या?
आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना आज से तू मेरी पत्नी है, ना आज से तू मेरा बेटा, आज से मेरी पत्नी है ये मंजुला। मैं वीर सिंह राणा भगवान को साक्षी मानकर अपने मन से भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, इस देवस्थान में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरे इच्छा के विरुद्ध होगा, और मेरी वजह से इस देवस्थान की परंपरा को कभी कोई आंच नहीं आएगा, ऐसा वायदा करता हूं मैं आज। मैं इस देवस्थान की चेयरमैन की पोस्ट की शपथ लेता हूं। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ के नए चेयरमैन हैं, आप यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानते, आपको सब कुछ बताना मेरी ड्यूटी है एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाते। ये हजारों साल पहले बनाया गया एक पवित्र मंदिर है। एक शैतान यहाँ चेयरमैन बन के कैसे आया, यही सोच रही हो ना तुम? आप तो गलत सोच रहे हैं, मैं तो आपको यहाँ के सारे हिसाब किताब अकाउंट चेक कराने आई हूँ। तुम चाहे कितनी पढ़ाई कर लो, लेकिन इस अंगूठा छाप के सामने तुम एक दिन हाथ बांध कर हिसाब किताब बताओगी, ऐसा मैंने तुमसे कहा था ना? ऐसा हो जाएगा तुमने कभी सोचा भी नहीं था ना? उस दिन मैं तुम्हें एक साधारण इंसान समझी थी, लेकिन तुम जेल जाकर पॉलिटिकल पावर की मदद से बाहर आए हुए एक इंसान हो, तुम्हें साधारण कैसे समझ सकती हूँ? वैसे तुम इस मंदिर में किस इरादे से आए हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई, इसके लिए तुम्हारा अभिनंदन है। तो तुम यहाँ मेरी तारीफ करने आई थी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरे चेयरमैन बन जाने से तुम अपना राजीनामा दे दोगी यहाँ आकर? मैं इस मंदिर में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, मैं पागल नहीं हूँ जो राजीनामा दूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं कल पूरे मंदिर को देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किस कोने में क्या गलती हो रही है। इस मंदिर में घी से अभिषेक किया जाता है। प्रसाद कहाँ है? यहाँ जो वर्कर काम करते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनको बांट दिया जाता है। आज अपने गांव तमिलनाडु के बुनेश शेखरन केंद्र सरकार के मंत्री बनने वाले हैं, वहाँ के लोगों के लिए हम प्रसाद भेज रहे हैं। दिल्ली के मंत्री की पार्टी नहीं है इसलिए प्रसाद दिल्ली नहीं भेजोगे? प्रसाद पब्लिक के लिए है, पार्लियामेंट के लोगों के लिए नहीं है। आज के बाद यहाँ काम करने वालों को प्रसाद नहीं दिया जाएगा, यहाँ आप किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ दर्शन के लिए जो भी आए सीएम या सीएम का आदमी या मेरी सिफारिश लेकर उसे दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। सुनो, पब्लिक की तरह सब क्यू में आकर दर्शन करेंगे, तुम भी और यहाँ काम करने वाले सब लोग अच्छी तरह सुन लो मेरी बात, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अब चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो या सेक्रेटरी हो, हर एक को लाइन में आना पड़ेगा भगवान के दर्शन करने के लिए। आज के बाद यहाँ मंदिर में सिर्फ सुबह शाम पूजा होगी, अर्चना और अभिषेक होगा, दोपहर को नहीं होगा। हरे राम, आप तो इस मंदिर की परंपरा बदल रहे हैं। सिर्फ नियम ही नहीं बदल रहा हूँ, मुझे लगा तो भगवान और भगवान के नाम को भी बदल सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए चेयरमैन साहब, इस मंदिर के कुछ रूल और रेगुलेशन हैं। यहाँ से संबंध रखने वाले पुजारी को भी हक है और सेक्रेटरी को भी हक है, और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने के नाते मेरा भी अधिकार है, और आप यहाँ जो भी फैसला लेंगे वो हम सबके साथ मिलकर लेंगे। ये हिंदू राज्य है, हिटलर राज्य नहीं है। हिंदू कल्चर हो या हिटलर कल्चर, मैंने तुमसे नहीं पूछा कुछ भी, जो कहूंगा वही तुम करोगी, और जो मैं सोच रहा हूँ वही होना चाहिए, और आज के बाद तुम्हारे पोस्ट के मुताबिक ही तुम्हें इज्जत मिलेगी, इसलिए ये सब उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। अगर इज्जत देनी है आज से वही काम करोगे जो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, तो चुपचाप बैठे उस मंदिर के उस भगवान को दो, और किसी को इज्जत देना है तो इस चेयरमैन को दो। मैंने जो कहा उसे अमल में लाइए, मुझे सलाह नहीं चाहिए। वो बात नहीं बाबू, लोगों को विश्वास में लाकर काम निकालना ठीक रहेगा, उन्हें धोखे में रखकर कोई भी काम करना ठीक नहीं होगा बाबू। आपको जो कुछ भी राय देनी है उन्हें जाकर दीजिए, मेरे निर्णय को बदलने की मुझे जरूरत नहीं है। आपको निर्णय वापस लेना ही होगा, नहीं तो देवस्थान का सारा स्टाफ स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। क्या कहा? मेरी वजह से ही इस देवस्थान में राजनीति आई समझ रहा था, लेकिन तुम लोग देवस्थान को ही राजनीति में लाना चाहते हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी करो, ये दांव पेच का खेल मेरे लिए नया नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला। तो फिर स्ट्राइक जरूर होगी? हाँ, होने दीजिए।
राणा, मंदिर के पुजारियों ने हड़ताल कर दी है। ये लोग दर्शन के लिए बैठे हुए जाने भी नहीं दे रहे हैं। गांव में जब मुर्गा बांग देता तो गांव वाले समझते हैं सवेरा हो गया। अगर तुम लोग भी ऐसा ही समझते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम लोग यहाँ जो पूजा अर्चना करवाते हो किसी का पाप मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपना पेट भरने के लिए करते हो ये सब, भूख मिटाने के लिए। मैं पूजा करवाऊंगा, देखता हूँ स्ट्राइक कितने दिन चलती है तुम्हारी। अरे ये पवित्र मंदिर तो एकदम से पार्लियामेंट जैसा लग रहा है। अरे इधर सुनो, ये सब क्या है झगड़ा, ये स्ट्राइक? अरे तुम इन पुजारियों से क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? करने दो, मैं भी देखता हूँ कितने दिन स्ट्राइक करते हैं ये। डर जाऊंगा क्या इनसे मैं? इस मंदिर के सहारे अभी हमें बहुत कुछ करना है। इस तरह पुजारियों से लड़ोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने झगड़े को और तूल दिया तो ये झगड़ा सेंट्रल लेवल तक पहुंच जाएगा, इसलिए तुम सॉरी बोल दो। क्या कहा? मैं उनसे सॉरी बोलूं? ओहो, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद सीएम साहब ने तुमसे कहने के लिए कहा है। उन्होंने तुम्हारे पास दो मंत्रियों को भेजा है, तो सोचो वो कितने टेंशन में होंगे। ये लो बात करो, वन टाइम प्लीज। हाँ, बात करो। हेलो राणा, मैं बात कर रहा हूँ। देखो अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो जाओ, जाकर उन लोगों को तुम सॉरी बोलो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया मुझे जाकर उन लोगों को सॉरी बोलना पड़ेगा। हरे राम हरे कृष्ण। इस बड़ा ही अशुभ को क्या समझ गए आप लोग? पूजा नहीं कर सकते, घोर अनर्थ आ गया, घोर कलयुग आ गया। अब क्या बताया जाए, आगे ईश्वर की मर्जी, प्रभु जाने। सॉरी, ये बात तुम थोड़ी देर पहले भी बोल सकते थे। तुम बहुत जल्दी बड़े आदमी बनोगे, बहुत ही जल्दी बड़े आदमी बनोगे। सॉरी। इस तरह सॉरी बोलकर बहाना मत बनाओ, और इसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ जो भी डिसीजन लेंगे वो सब मिलके लेंगे। आप कुछ ज्यादा ही और बोल रही हैं। मैंने जो कहा वो सॉरी नहीं था, बल्कि आपकी सारी। तुम चाहे किसी से भी खेल लो, मगर आग से कभी मत खेलना। ए, क्या है वो, क्या कर रहा है तू? केला खिलाकर आशीर्वाद ले रहा हूँ। हाँ, हाथी के सूंड के वजन से तेरी गर्दन झुक रही है, और किसी दिन हाथी केले के साथ तेरी गर्दन खींच के खा जाएगा, और उसके बाद वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, जरा एक चम्मच और डालना। अच्छा। संभल के खा बेटा। अरे ये इतना समझदार होता तो मुझे इसकी चिंता क्यों होती? इसके बारे में सोच सोच कर ही मैं दुबली हो गई हूँ। क्या लक्ष्मी माँ, घर में इतना बड़ा डॉक्टर है, आप बीमार होने की बात कर रही हैं? क्या बताऊँ बेटा, जब देखो आयुर्वेदिक और लेगम की बातें करता रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या बातें करता रहता है। मैं जब खाना खाता हूँ तो किसी की बात नहीं सुनता, और ना अपनी दवाई की बुराई सुन सकता हूँ। भाई और बहनों, जो आज है उसे कल मरना ही है, और जो जिंदा है उसे बीमार पड़ना ही है, और जब वो बीमार पड़ेगा तो उसे दवा चाहिए ही, और उसे दवा देना है हर जगह पर, मुझको होना चाहिए। एक लड़की की पीठ में दर्द है, वो खड़ी भी नहीं रह सकती और बैठ भी नहीं सकती, और एक लड़के की ऐसी जगह नस दब गई है जो मैं बता भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, किस लिए ये जिंदगी है, वो ये सब सोच रहा है। भाई और बहनों, एक को पूरे बदन में जलन है, उसे खुजली है। एक लड़का साइकिल इधर उधर से चलाता था, उसके उस जगह पर सूजन है। उस लड़के की बहुत इच्छा थी कि वो संबंध बनाए, लेकिन सूजन की वजह से नहीं कर पा रहा था। वो मेरे पास आया तो मैंने उसका सूजन कम कर दिया, एक बहुत बड़े ध्यान किए हुए महर्षि ध्यान करके दिया हुआ,
ऋषि सर्व रोग निवारण है, उस बीमारी से निवृत्ति होनी चाहिए। वो कछुए का कवच और तार भीति बीज है, उसको निकाल कर दोनों को पीस कर नीम का तेल मिलाकर उसे नीम के तेल में उबालने का। अरे बाप रे बाप, ये क्या बकवास कर रहा है, रात को भी ऐसे बड़बड़ करता रहता है। मैंने पुजारी से कहा था कि आकर इसको विभूति छिड़क जाए। भाई और बहनों, अबे चुप बैठ, पागलों की तरह बकता रहता है। बेटा, इसे कुछ काम धंधा नहीं, बेकार बैठा रहता है। तेरी कहीं पहचान हो तो इसे वहीं पे काम पे लगा दे। हाँ, काम पे। काम पे लगा देता हूँ। इसे कितना बड़ा आदमी बनाता हूँ अभी देखना। अभी इसको राजकुमार बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा करता हूँ। चेयरमैन अपनी दादागिरी से इस देवस्थान को हड़पने की जरूर कोशिश करेगा। अभी तक कम्युनिटी हॉल के नाम से भगवान के जेवरात और करोड़ों रुपया गायब हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं मैडम, उसको गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला है मैडम। अनपढ़ लोगों के हाथों में देवस्थान की जिम्मेदारी देने में सरकार का भी हाल है, इस बात का मुझे शक है। और भी कुछ खास बातों पर मुझे शक है। कुछ भी हो, पहले हमें इस चेयरमैन को इस देवस्थान से हटाना होगा। बिल्कुल मैडम, यूनियन वर्कर का पूरा सपोर्ट है मेरे पास, उसके लिए आपको राजीनामा देने की आवश्यकता नहीं है मैडम। देवस्थान में मेरा एक आदमी होना चाहिए, अगर तू रहेगा तो मेरे लिए अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। अरे पेरुमन, रेगुलेशन कोटा में एक सीट खाली है ना, वो सेक्रेटरी को बोलकर ये तेरा आदमी ऐसा बोलकर उसको काम पे लगा दे। हाँ, तेरा दोस्त है क्या, बोल देता हूँ। अरे मेरा दोस्त बोलेगा तो वहाँ पे वर्कर का सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको, और इसको वहाँ पर कोई काम भी नहीं देगा। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, देख हम दोनों दोस्त हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं कौन हूँ तू नहीं जानता, तू कौन है मैं नहीं जानता हूँ तुझे, समझा ना। मुझे नहीं पता ये कैसा है, ये कैसा है। अरे ये अपवित्र है, ये अपवित्र है। अरे मुझे गर्म लग रहा है टकले। ए, उसे वापस ले, ले रहे। कौन है ये? रिजर्वेशन कोटा में इसे बहाल किया गया है। तुमने इन लोगों को रखोगे? चेयरमैन से पूछे बगैर तुमने इन लोगों को रखोगे? सारी बातें चेयरमैन को बताना जरूरी नहीं होता। आहा। हमें भी पावर है, हम भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओहो, अगर ऐसा है तो सबसे पहले काम सिखाइए, वरना आप लोग सब बचाएंगे। देखिए सर, आप कौन है मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ आप नहीं जानते, आपके बारे में मैं नहीं जानता, मेरे बारे में आप नहीं जानते, आपके बारे में मैं नहीं जानता, मेरे बारे में आप नहीं जानते। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, अपने काम से काम रख, समझा। चलता हूँ मैं। क्या सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन जी कुछ ऑर्डर देकर जा रहे हैं? हाँ हाँ, ये नया काम में बहाल हुआ है, इससे छोटी सी भूल हो गई, इसलिए वो इसे वार्निंग देकर जा रहे हैं। मगर मैंने भी उनसे कह दिया, हमें भी पावर है, हम भी डिसीजन ले सकते हैं। सर्टनली, देखो तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से काम सीख लो, तुम्हारा काम देखकर उसे आश्चर्य में पड़ना चाहिए। क्या सेक्रेटरी साहब? हाँ ठीक है। नहीं पहचानते हो? ओम सहना भवतु, ओम सदना भवतु, सदना भवतु। अरे ये हमको क्या भुगतना पड़ रहा है, सही से उच्चारण कैसे बोले हैं, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं आ गया हूँ। आ गए क्या? हाँ, मंदिर से प्रसाद लेके आया हूँ। अरे उठो उठो भाई, उठो चलो। अरे क्या प्रसाद लेकर आए हो? अभी क्यों खोल रहे हो, पंडित जी को जाके दे। अरे तो क्या हम लोग चोरी करते हैं क्या? देखो गिरी, एक तो चेयरमैन साहब तुम्हें पसंद नहीं करते, सेक्रेटरी साहब ने अपनी जवाबदारी पे तुम्हें काम पे रखा है, उनके नाम को बदनाम नहीं करना, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछना। अरे कामाक्षी, मैं राम आश्रय के घर पर जा रहा हूँ, गिरी को प्रसाद दो। गिरी प्रसाद खा के जाना। क्या देख रहा है?
उस दीपक से निकलने वाली रोशनी को देख रहा हूँ। दीपक की रोशनी को देख रहे हो या दीपक जलाने वाली को देख रहे हो? तुम्हें प्रसाद खाने के लिए कहा है, दीप देखने के लिए नहीं। अब चल तू वहाँ प्रसाद खिलाता हूँ, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल जल्दी। अरे परमेश्वर कामाक्षी की नजर मुझ पे गिरे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। कौन सी कामाक्षी के लिए तू प्रार्थना कर रहा है? पुजारी की चमचागिरी कर रहा है क्या उसकी बेटी को पटाने के लिए? छी, ये मजाक कर रहा है। इस बारे में मुझे खबर मिली थी, इस सब में तू मत पड़ना। इन लोगों को पता चलेगा तो तेरी जान ले लेंगे। तुम्हें सिर्फ 1000 रुपए की तनख्वाह के लिए नहीं रखा है, तुम्हें सेक्रेटरी को निकाल कर उसकी पोस्ट हासिल करनी है। तुमको सेक्रेटरी बनाना, यही मेरा प्लान है, यही मेरा प्लान है। क्या सेक्रेटरी? हाँ भाई। अच्छा ये बताओ, कल शाम को 5 से 6 के बीच में तुम कहाँ थे? मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। अगर तुम्हें सेक्रेटरी बनना है तो अच्छा नाम कमाना होगा तुम्हें। इन सभी वर्कर्स का तुम्हें लीडर बनना होगा। इस मंदिर में बहुत बड़ा जुलूस निकालना होगा। वजह क्या हो सकती है और कब करना होगा ये हमें सोचना पड़ेगा। ये ले ठीक से खा ले। अरे इसका तो मुझसे भी भाव है। समझ गया ना तुम? सरकार सरकार, रामू का सर गोपी ने एक झटके में तोड़ दिया है। हेलो पुलिस स्टेशन, इंदर मंदिर में झगड़ा हो रहा है। सरकार, गोपी मतलब वो कोई इंसान नहीं है, वो अपने मंदिर का हाथी है, उसने सूंड मार कर उसका सर तोड़ दिया। ये पहले बताना चाहिए था ना, चल जा। ठीक है। इस हादसे को हम कितना बड़ा बता सकते हैं? अभी देखना मैं क्या कुछ करता हूँ। अरे उधर हाथी ने उसे मार दिया है, तुम उस घटना को बड़ा करने की क्या बात कर रहे हो? अरे जो बोल रहा है चुपचाप सुन। सर, रामू को हाथी ने मार दिया। हाँ बोल, क्या बात? सर उसको बहुत चोट लगी है, उसका हजाना तो देना पड़ेगा ना, इस मंदिर का ये रूल है। हाथी मार दिया, इसने मार दिया, उसने मार दिया, हम सबका हजाना मरते रहेंगे क्या? अगर इसी तरह देते रहेंगे तो मंदिर को एक दिन बंद करना पड़ेगा। ये लो 500 रुपए, उसको दे देना। तो 500 रुपए? उसे ड्यूटी करते वक्त चोट लगी, यूनियन भी नहीं मानेगी, मैं भी नहीं मानता। अगर नहीं मानोगे तो क्या करोगे? अच्छा नहीं होगा सर। अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम इस तरह बात करोगे तो अच्छा नहीं होगा। जाओ। अरे जाओ। ए इधर आओ, देखो सेक्रेटरी को यहाँ से भगाने का ये अच्छा उपाय है। हरजाना कम है, ऐसा बोल के तू झगड़ा कर लीडर बन जा। चेयरमैन ने कहा है कि वो इससे ज्यादा नहीं दे सकते, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, आप जाकर यूनियन में बात कीजिए। क्या यूनियन में जाने का, कोई हरजाना है या कोई भीख दे रहे हैं आप? आप लोगों ने जो 500 रुपया दिया है उससे पट्टी बांधने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं है। 500 रुपया में कैसा हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा? एरोप्लेन से जाने के लिए बोल। अरे चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब का लिया हुआ डिसीजन है, यहाँ पूछ रहा है वहाँ पूछ सकता है क्या? हाँ पूछूंगा मैं, क्या किसी डरता हूँ क्या? जा पूछ। चेयरमैन सर, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। इधर क्या चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं अपनी हक की बात कर रहा हूँ। आज रामू का सर टूटा है, आपका पैर टूटेगा, परसों पुजारी को हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा हो सकता है जिसके लिए हमारे मंदिर में यूनियन है। अगर आप हमारी यूनियन को इज्जत नहीं देंगे तो आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने जो उसे हजाना दिया है वो काफी नहीं है, उसे और पैसा दीजिए। उसके सर पर बांधने के लिए पत्ता और पट्टी, उसका शरीर ठीक होने के लिए चित्तू कुंड। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, कितनी बार बोलूं तुझे, अब क्या चाहिए बोल। वो रामू को 10,000 रुपए हरजाना चाहिए। नहीं दूंगा तो? नहीं दोगे तो मैं मरने तक भूखा प्यासा हड़ताल करूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। सबका प्यारा भाई गिरी जिंदाबाद। जा वही कर, सबकी जल्दी उतर गई। अपने प्यारे भाई गिरी की जिंदाबाद। अपने हक के लिए हड़ताल करने वाले गिरी की जिंदाबाद। भूखा प्यासा रहकर अपनी जान देने वाले गिरी की जिंदाबाद। 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 अपना नेता गिरी जिंदाबाद। अपने यूनियन का भाई गिरी जिंदाबाद। महात्मा गांधी का दूसरा होता है जिंदाबाद। सच्चाई के लिए लड़ने वाला गिरी की बोलो जिंदाबाद। हमारे नेता गिरी की जय। हमारे नेता गिरी की जय। हमारे नेता गिरी की जिंदाबाद। सुनिए सुनिए, जो कुछ भी होने वाला है अपने आप ही होगा, ऐसा कीजिए हड़ताल खत्म कर दीजिए। ठीक है, मैं ये हड़ताल नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, इसका हरजाना मिलकर ही रहेगा। नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा, इस हड़ताल को नहीं तोड़। हे भगवान। आ,
और भाई बैठे क्यों, खाते क्यों नहीं हो? अरे ऐसा ही रहेगा तो भूखा मर जाएगा। अरे मेरी बात मान, तू कुछ खा ले। तो ये आदमी बिना खाए कितने दिन जिंदा रह सकता है? मैं तो एक समय भी खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो बिना खाए पिए 5 दिनों से कैसे जिंदा रह रहा है? ये तो लड्डू है भाई, फ्रिज में रखकर खाओगे तो मजा आएगा। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैं जो बोलता जा रहा हूँ तू ध्यान से सुनते जाना। देख भाई तू चिंता मत कर, जब तक जिंदा रहेगा तुझे खाने को नहीं मिलेगा। अरे सुमित्रा ये बहुत भूला है, खाने से बहुत प्यार है। जब भी मेरे घर आता था तो बहुत अच्छी तरह से खाना खाता था। अब वो बेचारा इतने दिन से भूखा है, पता नहीं कैसा होगा। बेचारा बहुत भूखा होगा, मैं उसे ये प्रसाद देकर आती हूँ। हाँ तू जाकर दे या, तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। आज सारा मंदिर हिल जाएगा जी। और कितने लगेंगे भाई? मैं दिन में 7 बार खाने वाला 7 दिन से भूखा मर रहा हूँ। अब क्या कहा उन्होंने? वो और 2 दिन कह रहे हैं। मुझे तो लगता है 1 हफ्ता और लगेगा। ए, तो फिकर मत कर, भूख से मर गया तो अमर हो जाएगा। ए, ओए, पागल समझा है क्या? मैं सब जानता हूँ तेरी कहानी। ये सब नाटक तू क्यों कर रहा है? मैं चुप नहीं बैठूंगा, कल तक तुझे उठा दूंगा। ये कोई सोशल सर्विस नहीं है, ये खुद की सर्विस है। तुमको सेक्रेटरी बनना है ना, इसलिए ये काम कर रहे हो। हमारे सेक्रेटरी साहब कितने अच्छे हैं। तू कुछ भी कर ले, इनमें से कोई तेरा साथ देने वाले नहीं है। अगर देखना चाहता है तो देख ले, इनमें से कोई भी तेरे साथ नहीं आएगा। ए भाई इसको बताओ। ए, क्या देखेगा तू? तू जाके अपने सेक्रेटरी से बोल, इसे ले जाकर दिखाए। हम सब इसके पीछे खड़े हैं, देखते हैं कौन क्या करेगा। तू कौन है बोलने वाला? देखेंगे क्या, बोल चल जाए यहाँ से। अरे भाई देखो। हाँ? ये ऊपर चला गया क्या? नारायण नारायण कहते रहो, तुलसी का जल लेके आऊँ क्या? क्या कर रहा है? उसकी जान जा रही है और तुझे तुलसी का जल की पड़ी हुई है। क्या कह रहे? पेट भर खाना नहीं खाया। अरे बाप रे, माँ हे भगवान। हरी हरी। बोलिए पुजारी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो जो बच्चा मांग रहा है वो हरजाना उसे दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी हालत पे मंदिर में रहने वालों को बहुत दुख हो रहा है, उसकी मांग को पूरी करके उसके जान की भीख दे दो, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। देखिए अगर वो लोग कहेंगे तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आप अगर कहेंगे तो मान लेता हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी एक बार भी वो सेक्रेटरी मेरे पास नहीं आया। वो बात चलिए कि... तुम अपनी जान की परवाह किए बिना इतने दिन भूखे भैंसे रहे, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। रामू ये लो पैसे। अब मैं बच गया। आपके इस एहसान के लिए मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। देखिए अगर शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो मेरा नहीं, इसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इस जमाने में देखिए कोई किसी के काम नहीं आता, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये कुछ भी कर सकता है मुझे आज पता चला। ये चरणामृत आप अपने हाथों से दीजिए। लाइए मैं देता हूँ। आयुष्मान भव। हमारे नेता गिरी की जिंदाबाद। हमारे नेता गिरी की जिंदाबाद। हमारे नेता गिरी की जिंदाबाद। उस गिरी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हमारे सेक्रेटरी साहब ने घमंड से बात की थी। हाँ भाई, चेयरमैन साहब जब 500 रुपए दिए थे तब तुम नहीं पूछ सकते थे? हाँ? गिरी ने पूछा था मुझसे, उस गवर्नमेंट के आदमी को हम सेक्रेटरी क्यों बनाएंगे। ओहो ऐसा है, तो उस सेक्रेटरी को हटाकर गिरी को तुम लोग सेक्रेटरी क्यों नहीं बना देते हो? अरे पागल तेरी बात कौन सुनेगा? अगर तू इस तरह की बातें करेगा तो वो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी कभी भी नहीं बन सकता है। अरे मत मारो मुझे, मत मारो, क्या कर रहे हो? आओ आओ हिम्मत से तो मार के दिखाओ एक बार फिर। कोई देख तो नहीं रहा ना, चलो चलो। आइडिया आइडिया, सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी साहब, आप डरिए मत, आप डरिए मत, मैं किसी को आपके ऊपर हाथ नहीं उठाने दूंगा, मेरे मरने के बाद ही आप मरेंगे। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ ये पूछ रहे हैं आप? देवस्थान में जितने भी काम करने वाले वर्कर थे सब गिरी के साथ मिल गए।
हमारे सेक्रेटरी अच्छे इंसान है, बस मैं इतना ही कह रहा था। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, ये कहकर ही मैं सेक्रेटरी का चमचा हूँ, चप्पल साफ करता हूँ। अब आपको सेक्रेटरी पोस्ट से इस्तीफा देना ही बेहतर होगा, नहीं तो वो लोग आपको भी जान से मार डालेंगे। आप सुन जाइए, नहीं तो ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। अब आपको सेक्रेटरी पोस्ट से इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। देखिए आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। मेरा काम तो कहना, बाकी आपकी मर्जी। मैडम ये लीजिए। ये क्या है सेक्रेटरी साहब? यूनियन सेक्रेटरी पोस्ट से मैं राजीनामा दे रहा हूँ। राजीनामा? इस सिचुएशन में आपने ये फैसला क्यों लिया? इस समय सब लोग गिरी को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे पास राजीनामा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग मेरा गला पकड़ कर मुझे बाहर कर देंगे। देखिए वो लोग आ रहे हैं, ये लीजिए। इस सिचुएशन में अगर आप इस्तीफा देंगे चेयरमैन की ताकत और बढ़ जाएगी। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। प्लीज मैडम, रख लीजिए। समझने की कोशिश कीजिए ऑफिसर जी। जाओ, राजीनामा देगा? ऐसे कई नेता बोलते हैं लेकिन अपनी पद से चिपक के रहते हैं। आप उन नेताओं में से नहीं है, मैं जानता हूँ ये। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखिए माननीय सेक्रेटरी साहब, आपसे मैंने एक दिन कहा था ना कि आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। कहा था ना मैंने, कुछ बोलिए ना। अब समझ गया मैं, आगे से समझ करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि गिरी को सेक्रेटरी बनाएंगे, उसको सेक्रेटरी बना देंगे। आखिर आप ही ने उसको रखा था ना। देखिए ना, बड़ा होकर के वो आप ही का नाम रोशन करेगा ना, पी का नाम रोशन करेगा ना। हाँ वही ठीक रहेगा। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सेक्रेटरी के अलावा यूनियन के सभी लोगों की सहमति से मैं उनके फैसले से इंडियन प्रजातंत्र के हिसाब से गिरी को मैं सेक्रेटरी बनाता हूँ। क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। जिस दिन तुम गिरी को इस मंदिर में लेकर आए थे मैं उसी दिन समझ गई थी कि कुछ न कुछ बात जरूर है। तुमने क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन ऑर्डर पास करो। सेक्रेटरी बनते ही तू तो चमक गया रे। सेक्रेटरी जी वहाँ पर नमस्ते। सुबह से आपके लिए कोई राह देख रहा है साहब। आपसे मिलने के लिए एक बुजुर्ग आए हैं। कहाँ है वो? ये देखिए यही है वो। अरे अरे आप क्यों आ रहे हैं? मैं ही ऊपर आ रहा था। मेरा उतर कर आना ही सभ्यता है, क्या बात है बताइए। मेरा नाम वीरभद्र है, भविष्य काल में गुम हो गया लेकिन 1980 के समय इस देवस्थान का मैं ही धर्मगुरु था। इस मंदिर के उस समय के पुरोहित मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वीरभद्र अब क्यों आए हैं ये बताइए। कुछ नहीं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, घर के हालात ठीक नहीं हैं, कुछ काम मिलेगा यही सोचकर आया हूँ। इस उम्र में आप कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए, बहुत भरोसे से आया हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। आप क्या कर रहे हैं, पैर छूने की जरूरत नहीं है क्यों पुजारी जी? बेटे के पैर पिता ने छूने की सभ्यता नहीं है इसलिए। सारथी? हाँ जी सारथी, आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपना बेटा कहने से इनकार किया था, ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अगर मैं आपका बेटा ही बना रहता तो मैं एक मामूली इंसान बनकर रहता। उस दिन आपने मुझे धिक्कार दिया, उसी वजह से आज मैं इस देवस्थान का चेयरमैन बन पाया हूँ। आपकी नजरें नीचे और मेरी नजरें ऊपर हैं। आज मेरे सामने आप असहाय खड़े हैं। चेयरमैन साहब, जो हुआ उससे भूल जाओ, ये आपके पिता हैं। ओहो, तुम्हें उन पर इतनी दया आ रही है? हाँ तो फिर उस दिन मेरी माँ की जगह पर दूसरी औरत को ले आकर इसी देवस्थान में मेरी माँ की बेइज्जती की गई थी। उस औरत के हाथ में आपने आरती दी, उसी के हाथों आपने भगवान का अभिषेक करवाया। उस वक्त आप में से किसी को भी मेरी माँ पर दया आई थी? क्या यही आपकी रीत है, यही आपका आर्य धर्म है, यही आपकी सभ्यता है? सारथी, इन्हें कुछ कहने का अधिकार तुम्हें नहीं मुझे है। भूतकाल को हम भुला चुके हैं, तुम लौट कर आओगे इसकी हमें बिल्कुल कल्पना नहीं थी। आप सगे बेटे के पैरों पर गिरकर रो रहे हो देखकर मुझे आप पर दया नहीं आई, खुशी हुई है। जाइए, फिर कभी भी हमारे जीवन में मत आइएगा। तुम्हें ऐसे धिक्कार कर भेज रही हूँ देखकर सभी मुझे गलत समझते होंगे, लेकिन मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये सारा दर्द मैं अपने दिल में कैसे दबा कर रखी हूँ
उस दिन के बाद मेरा बेटा कैसे घुट घुट कर जी रहा है, ये सब अपनी आंखों से देखने वाला वो भगवान ही साक्षी है। वो बात नहीं है पार्वती, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। जाइए, अब आप कुछ मत कहिए। तुम्हें देवस्थान में चेयरमैन बनाने का एक मुख्य कारण था। क्या कारण था बोलिए ना सर। देवस्थान के पास जो 5,000 एकड़ जमीन है वो किसी काम की नहीं है, वो बेकार पड़ी हुई है। बहुत लोग उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। उस मंदिर का जो पुजारी है, एग्जीक्यूटिव कलेक्टर उस जमीन की नीलामी करने नहीं दे रहा है। भाई तुम वहाँ के चेयरमैन हो और अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से नीलाम करो कि वो जमीन हमें मिल जाए, जिससे हमारी पार्टी को बहुत फायदा होगा। वहाँ से आने वाले पैसे से हम बहुत काम कर सकते हैं, इस देश की जनता के लिए काम आ सकते हैं, और ऐसा करने से हमारी पार्टी का नाम और भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए उस जमीन की नीलामी करना तुम्हारा काम है। बस इतना ही, जनता के लिए ठीक है, मैं कल ही कर देता हूँ। उस जमीन को नीलाम करने का हक किसी को नहीं है। सुनो, उस जमीन के सर्वे नंबर, पट्टा नंबर, रजिस्टर नंबर, फाइल नंबर, डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल निकाल करके तुम वहाँ आने के लिए कहा है तुम्हें। जो कहा है वो जाकर करो, अधिकार है या नहीं वो मेरे पे छोड़ दो। शास्त्री जी, कुछ नेता लोग हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। बहुत सालों से आप इस मंदिर के प्रधान पुजारी रहे हैं, आप चाहे तो इसे नीलाम होने से रोक सकते हैं, और आपको यह हक है। इसके लिए आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना होगा। मेरा जो काम है मैं करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आपने मंदिर के जिस जमीन के कागजात मांगे थे वो सब मैं तैयार करके लाई हूँ। ये राजवीर सिंह की दी हुई जमीन की फाइल है, ये रमेश चौधरी की दी हुई जमीन की फाइल है, और ये राधेश्याम पांडे की दी हुई जमीन की फाइल है, और ये सत्यनारायण दुबे की दी हुई जमीन की फाइल है, और ये पेपर्स आपके लिए हैं। इसलिए मंदिर की जमीन को लेकर कोई डिसीजन लेने का अधिकार आपका नहीं है, और आप जिस जमीन को नीलाम करने वाले हैं उसे रोकने के लिए प्रधानाचार्य द्वारा लिया गया, कोर्ट द्वारा जारी किया गया स्टे ऑर्डर है। देवस्थान की जमीन के विषय में आप बेकार में बीच में आ रहे हैं। आप बड़े हैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके पीछे खड़े लोगों की बात सुनेंगे तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। कल आप मुसीबत में आ जाएंगे तो आपके पीछे जो लोग साथ देने के लिए खड़े हैं वही आपको छोड़ देंगे। आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, उस स्टे को वापस लीजिए। सब लोग जानते हैं आप अगर उस जमीन का पीछा छोड़ देंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। आप बेकार में जिद पर अड़े हुए हैं, अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। जिद कर रहा हूँ या बेवकूफी कर रहा हूँ वो आपका विषय नहीं है। कोई भी बीच में आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से सोच लीजिए। आपकी मूर्खता पर आपको इतना अभिमान है तो हमें अपने देवस्थान की रीति पर अभिमान है। अब सोचना, समझना और निर्णय लेने का अधिकार आपको। अरे अरे, भगवान की मूर्ति से हार चोरी हो गया। ओम नमः शिवाय। सुना था भगवान इस दुनिया की रक्षा करते हैं, उनके सिग्नल के बिना कुत्ता भी एक हड्डी नहीं निकाल सकता, और आज उसी भगवान का सोने का हार एक आदमी लेकर भाग गया। वो कितना बड़ा कुत्ता कमीना होगा ये सोचकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा पैंट ढीला हो रहा है। अरे मैं कुछ तो भूल गया, क्या हो सकता। अजीब से उतरा, बूट उतारा, भगवान को प्रणाम किया, और क्या भूल गया, सब कुछ तो बोल दिया। हाँ, इंक्वायरी। अच्छे देसी घी की खुशबू। रोज मंदिर में रहकर भगवान का प्रसाद खाकर भगवान के हाथ पर नजर रखते हो, अभी घर पर जाकर पकौड़े खाना तल के। ए तू देवस्थान में खड़ा है, देवस्थान का आदमी है, म्यूनिसिपालिटी का आदमी है, चल ए हट चल। ए तुमने सोने का हार चोरी किया ना सिंगापुर जाने के लिए। अरे मुझे तेरे प्लान से बहुत डर लगता है। चोरी करके दुबई भेज दिया क्या? अब दुबई की बात कर रहे हैं, मैं तो गांव से बाहर नहीं गया। मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? सच क्या है ये ढूंढने की कोशिश करिए, यहाँ किसी को डराने की कोशिश मत करिए। मैं बराबर इंक्वायरी कर रहा हूँ, ये बेवजह डर रहा है। आप जाकर अपना काम देखिए। क्यों रे, मुझे देखते ही तूने अपना सर नीचे कर लिया, तूने हार चुराया है क्या? अरे मुझे तो सुना ही पसंद नहीं है। ठीक है, फिर क्या बात है, सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं।
जिस रात चोरी हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे? रात 1 बजे तक तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। चलो वो ठीक है, लेकिन तुमने रात में किसी को मंदिर में आते हुए देखा क्या? हाँ, मैंने बड़े पुजारी को आते हुए देखा। उसके सर पर कुछ देखा था क्या? हाँ, जल्दी बता क्या देखा, जल्दी बता बता बता। उसके सर पे बाल देखा सर। रात में पूजा का कमरा कितने बजे बंद होता है? रात 10 बजे। कौन बंद करता है? बड़े पुजारी के पास चाबी रहती है, वही बंद करते हैं। पॉइंट मिल गया। 10 बजे पूजा रूम बंद करने वाला पुजारी उस रात 1 बजे तक क्यों था? पुजारी के हाथ में कुछ पेटी वगैरह नहीं थी? अरे यार, था छोटा था या बहुत बड़ा था? हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उनके हाथ में झनझन की आवाज भी आ रही थी। केस खलास हो गया और खत्म ही हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ वो तू सुन। केस खलास हो गया। मंदिर के बड़े पुजारी सोना लेकर लेफ्ट राइट होते हैं, बाहर निकलते हुए तुमने देखा हाँ या नहीं? हाँ। केस खलास, चल अंदर। हे परमेश्वर, गुनाह करता और भगवान को याद करता है। जो इंसान गीता पढ़ने वाला, गायत्री मंत्र पढ़ने वाला है, तुमने उसे चोर कैसे कह दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी इस डर से तुमने मेरे पिताजी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी इसलिए तुमने मेरे पिताजी से बदला लिया। मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ, अपनी इच्छा पूरी कर लो। ये शरीर मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बेगुनाह है, ये कहकर उन्हें रिहा करवा दो मेरे पिताजी को। मैं अपने पिता के बिना एक पल नहीं रह सकती मैं उनके बिना। मेरे साथ जो चाहे कर लो, मेरे पिताजी को बचा लो। कामाक्षी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें दिल में चाहता हूँ। तुम्हारे शरीर की चाहत मुझे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बर्बाद करना चाहता। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल बेगुनाह है, उनको कुछ नहीं होगा। मैं उनको लेकर आता हूँ, जाओ जाओ कामाक्षी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तू कबूल कर लेगा तो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो। मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। शर्ट उतार लिया, पैंट पहन लिया, जिप लगा ली, बेल्ट भी लगा ली, घड़ी भी पहन ली। याद आया तुम्हें परलोक भेजना भूल गया। प्रभु, उस मंदिर के हार से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा हम बोल देंगे क्या? कैसे बोलोगे, जब तक असली चोर के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। चोर पकड़ा जाएगा तभी तो मालूम पड़ेगा। सीएम के पास जो हार है उसे हम लोग लेकर मंदिर में जैसा था उसी तरह वहां पर हम लोग रख देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो, वो हार सीएम के पास है? सोने के हार का सीएम से क्या लेना देना है, पागल तो नहीं हो गए हो? तू ऐसी बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं। उस दिन तुमने और सीएम ने पार्टी ऑफिस में फैसला करके मुझे बताया था। किसके बारे में? अपने मंदिर के हार के बारे में। क्या बोला था? उम्र में मुझसे छोटा ये सोचकर उस आदमी की आज तक मैं इज्जत कर रहा था, और वो मेरे खिलाफ स्टे ऑर्डर लेके आता है। चाहे कुछ भी करना पड़े, कल ही मैं उस जमीन की नीलामी करवाऊंगा। ऐसा ही करो, हम उस आदमी से क्यों डरे? कोर्ट का मामला है, कोर्ट का नहीं है, पकड़ा गया तो हड्डी पट्टी तोड़ देंगे। मैं तुम्हें अपनी पार्टी का नेशनल लीडर बनाना चाहता था, लेकिन तू इस पुजारी के मैटर में क्यों? हमने तुम्हें उस मंदिर में क्यों बहाल करवाया था? इसलिए कि वहाँ जो कुछ होता है हमें बताओ। आप लोग बोलिए, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ए सुनो, आप लोग चुप हो जाइए, इन सब लोगों को यहीं पर रहने दो। ए, ये जो भी कहते हैं बराबर सुनो और हिम्मत से काम लो। हाँ ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना साथ में। अरे भाई तुम जाओ, डरेगा नहीं। तू डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना, होशियारी से, समझा? ठीक है, मैं देख लूंगा। अरे बेटे, इसका मतलब मंदिर का हार चोरी करने वाला तू है? हाँ मैं हूँ। वो हार चोरी करने के लिए मैंने कहा था तुझसे, वो पुजारी हमारी नीलामी के बीच में ना आए इसलिए तू हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है क्या? लेकिन तुमने किया ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था, तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू ऐसा बोल रहा है तो मुझे डर लग रहा है कि तू मुझे इस मामले में फंसा देगा। सीएम ने मुझसे कहा था पुजारी को अंदर करने के बाद वो हार मुझे वापस लौटा देगा। एक काम कर मेरे लिए, मैंने जो हार दिया है
वो हार तो पार्टी ऑफिस से लाकर मुझे दे दे, मैं ये बोलकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हारा, तुम्हारी पार्टी और सीएम किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कसम से मैं तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अरे कामाक्षी को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे गलत समझ रही है और ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हे राणा, तू वो सोने का हार मुझे लाकर दे दे। हे राणा। हे वो सब लोग किधर गए? कोई नहीं है इधर, मुझे लगता है सब मिलकर कुछ गोलमाल कर रहे हैं। सब मिलकर मंदिर गए हैं। मंदिर गए? मंदिर का हार चोरी हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। वो क्या है कि तुम सब लोग चुप बैठो, कल असेंबली में होने वाली बैठक में सब लोग मुझसे ही पूछेंगे। थोड़ा सा टाइम ले लो। आप लोग किसी काम के नहीं हो, इस काम को मैं ही संभाल लेता हूँ, समझ गए? लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। अरे तू तो राणा का दोस्त है ना? अरे हाँ, तूने करेक्ट पहचाना। एक बार राणा ने ऑफिस में काम करने के लिए इसको लाया था, ये वही है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? ये मंदिर से हार चोरी होना, पुजारी का अंदर जाना, ओ ये सब कहीं तुम दोनों का किया धरा तो नहीं है? क्यों रे, ये क्या नाटक है? ये क्या नाटक है? हम लोगों को भू बनाया, मारो मारो इसे, मारो। हम लोगों को बेवकूफ बनाया, मारो मारो इसे। धोखेबाज है ये, झूठा है, मक्कार है, मारो। गिरी, ए, किसने इसको मारा? किसने इस पे हाथ उठाया? मैं नहीं था इसलिए इसको मारा तुम लोगों ने? किसने इसको मारा? कौन कौन है मेरे सामने आओ। ए, अभी इसको कोई मार करके दिखाओ। अरे तुम क्या बताओगे, मैं खुद बताता हूं तुमको। ये मेरा जिगरी दोस्त है, आओ आओ। मैं आज तक यही सोचता था कि तू नेता लोगों के साथ मिला है, लेकिन तू उन लोगों के जैसा राक्षस बन गया है। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तूने उन लोगों के साथ मिलकर ये सब किया है। राणा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तू मेरे लिए वो सोने का हार ला कर दे। डीएसपी साहब, मैं स्वामी जी को छुड़ाने के लिए बेल ऑर्डर लेकर आई हूँ। सॉरी मैडम, ये नेशनल क्राइम है। बेल पर छोड़ने पर पंडित जी विमान में बैठ के चले गए तो कानून लड़खड़ा जाएगा, बेल नहीं चलेगा मैडम। एक आईएएस ऑफिसर का कोर्ट से बेल लाने पर भी नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? तुम भी ऑफिसर हो, मैं भी ऑफिसर हूँ, लेकिन वो तो क्रिमिनल है ना, ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर भी है, बेल नहीं होगा। वो बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब। अरे मैं आपको कब तो समझा रहा हूँ, समझती क्यों नहीं है? वैसे भी ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल थोड़ी है, उसने भगवान पर केस कर दिया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पुजारी जी को छुड़ा कर ले जाने आया हूँ। आइए पुजारी जी, आइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ, आइए। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आपका। मेरा दिल रो रो के कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने उसी दिन आपसे कहा था, उनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देगा। चलिए मैडम, आपका बेल एक्सेप्ट हो गया है। पिताजी, पंचमुखी का तीरथ लेकर आई हूं। पिताजी, 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 पिताजी। अरे क्या हुआ? अरे सुनो, अरे भैया सुनो, पुजारी जी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली? देखो, चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो। तेरा बाप मर गया, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। चलो हम कुछ खेलते हैं। ये क्या खेलेंगे? घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। अरे लेकिन
मुझे उछालना नहीं आता है। चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं। अच्छा चलो वो खाना खाना खेलते हैं। मैं उसका किंग हूँ, मैं उसका किंग हूँ। ये देख ये दाल है, इसमें थोड़ा सा खाना रख के एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ। तेरा बाप तेरी शादी करवाना चाहता था लेकिन उसके पास दहेज देने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो उसने मंदिर से हार चुरा लिया क्या? और तू भी खुशी खुशी वो हार पहनकर अपने मायके जाने वाली थी क्या? अरे पागलो क्या देख रहे हो, चलो भागो इधर से, नहीं तो धोती उतार दूंगा। समझ रहे हो तुम? बड़े लोगों के जैसे सोने हाथों में कंगन और कानों में झुमका बनाओगी क्या? अरे ये प्यारे साथ दिखाओ ना, तो कमर में पहनने के लिए हार बनाओगी? ए क्या सोच रही है तू, बताओ वो सोना कहाँ है? मेरी बात का विश्वास करिए, मैं उस सोने के बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा ये बात है, तो मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? लेकिन क्या भूल रहा हूँ, क्लब में जाकर चढ़ा कर आ गया, कपड़े भी धोकर आ गया। आ, आ, याद आया मैं तेरी चोटी पकड़कर तुझे ले जाना भूल गया। इसके पीछे कोई नहीं है इसलिए तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तूने वर्दी पहने पुलिस, तुम क्या सोच रहे हो, ये अकेली है, तुम जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। कोई आगे है पीछे है, मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। क्या इन्वेस्टिगेशन करने आए हो? वो सोने के हार और इस घर से कोई संबंध नहीं है। अरे उस दिन तूने तो बताया था कि पुजारी ने चोरी की है और आज प्लान चेंज कर रहा है। वो सोने का हार किसने चुराया है और वो सोना कहाँ है ये मैं जानता हूँ, और जब तक मैं वो सोने का हार लेकर नहीं आता, तुमने अगर इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हट जाओ। नहीं हटूंगा। अगर तुम नहीं हटे तो मैं अपनी जीप तक कैसे जाऊंगा? ऐसी परिस्थिति में कामाक्षी आपके पास रहेगी वही ठीक रहेगा। कामाक्षी आपके पास ही रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। आप जो जानना चाहती हैं, मैंने और कामाक्षी ने जो गलती की है वो ठीक होने तक आपके पास कामाक्षी को छोड़कर जा रहा हूँ। आप बड़े लोग हो, क्या सही क्या गलत आप लोग जानते हो, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो सही नहीं किया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इधर चिल्ला रहा हूँ, मेरी बात सुनने के बजाय तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? वो सोने का हार मुझे दो, मैं वो सोने का हार लेने के लिए यहाँ आया हूँ, और इसके लिए ना मैं तुम लोगों से डरूंगा और ना ही राणा से। पागल, ऐसा बोल बच्चन तो मैं दादा परदादा के जमाने से सुनता रहा हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझसे दुश्मनी ली तो मैं रोड पे मारूंगा। तुम इस मैटर में कभी भी रिवर्स हो सकते थे, हम ये जानते थे, इसलिए तेरे और राणा के लिए फिटिंग करके रखे। और इतना ही नहीं, हमने तुम दोनों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। करने के लिए कहते तो तुम नहीं करते, इसलिए हमने अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर राणा को ऐसा करने के लिए कहा, ये तुम भी जानते हो। इसका मतलब है राणा को इनकी चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे उसे कुछ भी पता नहीं है, वो पॉलिटिक्स में है ना, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। देखो मैं अभी जाकर राणा को सारी बातें बता देता हूँ, उसे भी तो मालूम होना चाहिए, फिर देखना राणा तुम्हारा क्या हल करता है। हमारी सीक्रेट जब किसी को पता चल जाता है तो हम उसे मार देते हैं, ये हमारी पार्टी का रूल है। पकड़ो उसे, पकड़ो। Thank you.
राणा, राणा मुझे माफ कर देना। मैं सच जाने भी ना तुम पर शक किया और तुम पर इल्जाम लगाया था। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा भाई बनकर अगले जन्म में गिरी गिरी तो अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला गया, अब तेरी माँ का क्या होगा? अरे माँ को कैसे छोड़कर चला गया तू? अरे राणा, मेरा गिरी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था ना। गिरी एक सीधा साधा लड़का था, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। वो अपना अच्छा खासा आयुर्वेदिक दवाइयों का काम कर रहा था, लेकिन तुमने उसे बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में उसे गंदी राजनीति के दलदल में खींच कर ले गया। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेटे को राजकुमार बनाओगे, लेकिन आज तो तुमने इसे मुर्दा बना दिया राणा, मुर्दा बना दिया। अरे तू तो एक राक्षस बन गया है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा, जो मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया है। मुझे माँ कहकर कभी मत बुलाना। कहाँ जा रहा है? सीएम के पास। पकड़ से छोड़ दो मुझे, जाने दो, चलो चल। ए, ए, चल छोड़ दो उसे। यह पार्टी कार्यालय, यहाँ डिसिप्लिन चलता है। तुम्हें क्या कहना है? उसको तुमने क्यों मरवाया? वो तुम्हारी तरह मक्कार और दावपेंच खेलने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी बनाने के लिए मैं तुम्हारी पार्टी में लाया था उसे। तुम पर भरोसा करके मैंने उसे गंदी पॉलिटिक्स में धकेला। तुम लोगों को उसी दिन उस मंदिर के पास तुम लोगों की जान ले लेता तो आज मेरे दोस्त की जान नहीं जाती। बोलो उसे क्यों मारा, बताओ उसे क्यों मारा, बताओ उसे क्यों मारा। छोड़ दो मुझे, बताओ, छोड़ दो, बताओ दो मुझे, आज मैं तेरी जान ले लूंगा, छोड़ मुझे। कल की मीटिंग का सारा इंतजाम हो चुका है, आपका निर्णय उन्हें मंजूर है और सभी लोग आपने जैसा कहा है वैसा करने को तैयार हैं। ध्यान से सुनो, लीडर की आवाज पर पार्टी नहीं चलनी चाहिए। जनता की भलाई के लिए जीवन अर्पण करूंगा। आज के बाद कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, सबके दिलों में हमारे लिए जगह चाहिए, यही उम्मीद रखता हूँ मैं। जिस दिन वो मैदान में उतरेगा उस दिन वहाँ बहुत बड़ा युद्ध होना चाहिए। नास्तिक लोग धोखे से उस देवस्थान की जमीन पर कब्जा किए हैं और वहाँ पर वो लोग प्रचार कार्यालय बना रहे हैं। अपने आदमियों को भेजकर रात ही रात में नास्तिक पार्टी के झंडों को उखाड़ फेंक दो। देवस्थान की जमीन पर नास्तिक लोगों का झंडा कैसे आया? लोगों को भड़काओ।
नास्तिक लोगों के खिलाफ हम एक रथ यात्रा निकालेंगे। इसलिए राज्य के सभी देवस्थानों के ऑफिसर्स को, पुजारियों को, सहयोगियों और भक्तों को, सबको हमारे साथ होना चाहिए। इसलिए तुम नास्तिक लोगों की सभा में अपने लोगों के हाथ में झंडा देकर रथ यात्रा में भेज देना। इस रथ यात्रा की शुरुआत में अपने शरीर पे ही बम लगाकर वो लड़की उसे हार पहनाकर उसे उड़ा देगी। ये काम अगर तुम कर दोगे तो हमारे कैबिनेट की तरफ से पूजा स्थानों का, मठ स्थानों का, देवालय का मंत्री बनाएंगे हम। तुम्हारे इस अरेंजमेंट के बाद हमारे कैबिनेट की तरफ से तुम्हें देव स्थानों का मंत्री बनाएंगे हम। आप लोग ये वादा कर रहे हैं मेरे काम कर देने के बाद आप उसे निभाएंगे ना? इस रथ यात्रा में हमारे दुश्मनों का पत्ता साफ हो जाना चाहिए और इसी रथ यात्रा में उस सारथी का शव मिट्टी में मिल जाना चाहिए। तुम्हें क्या करना मैं बताता हूँ, आओ। सच है क्या? हाँ, यही बात बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। कैसा प्लान बना रहे हैं वो? उन लोगों ने सारथी जी को मारने का प्लान बनाया है, लेकिन कैसे मारेंगे मालूम नहीं। आपके हाथों में पूरी सिक्योरिटी है, इसलिए आप कैसे भी उन्हें बचा लीजिए। प्लीज जाइए ना मैडम। वो मैं देख लूंगी, तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है मैडम। देखिए, आज की तारीख में सारथी जी की हर इंसान को जरूरत है। वो एक जनसभा करने जा रहे हैं, उस जनसभा में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे। हर 20 गज पर एक गनमैन रहेगा, चाहिए तो एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा लीजिए। आई गॉट सम इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई एम वरीड। एसपी विनोद जी कहाँ हैं? मिनिस्टर के प्रोग्राम में गए। उनसे कहिए मैंने इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेने के लिए कहा है। बंदोबस्त एकदम तगड़ा होना चाहिए। ओके मैडम। हेलो, कलेक्टर हियर। गुड मॉर्निंग मैडम। डीएसपी जी बोल रहे हैं ना? जैसा कहा था वैसा इंतजाम किया है ना? बी अलर्ट। सॉरी मैडम, उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आए, वो कैसे कह सकते हैं? इट्स माय ऑर्डर। लेकिन होम मिनिस्टर के ऑर्डर को हम ओवरलुक नहीं कर सकते मैडम। मैंने पहले ही कहा था ना, जो मैंने कहा है उसे तुम्हें अमल में लाना है। मैडम, वो जो करने जा रहे हैं वो डमी है, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सॉरी मैडम। व्हाट? अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सुन रखिए मैडम, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। तो ऑफिसर्स के सारे ऑर्डर आपके खिलाफ है। प्लीज, विनोद जी ने भी मना किया है। विनोद जी? हाँ मैडम। अब मेरी बात तो सुनो तुम। मैडम प्लीज, उन्हें हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कह रहा हूँ ना, सॉरी। ये काम कल कर लेंगे, ठीक है? सारथी, एक मिनट। सारथी, तुम्हारी जनसभा को एक दिन के लिए रोकना पड़ेगा। क्या? कल उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए प्री प्लान बनाया है। तुम्हें सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया है। वो सब तुमसे बदला लेना चाहते हैं, ये सच है। अब तुम्हें सिक्योरिटी देने के लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। सारी जिंदगी में तुम्हें समझ नहीं पाई, उसी बात से परेशान थी। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, ये सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। मैं तुमसे एक अधिकारी की तरह नहीं कह रही हूँ, एक चाहने वाली की तरह कह रही हूँ। तुम्हारी ये सभा एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। एक दिन रुक जाने से जो होना है वो टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसे खामोश रहना भी तो ठीक नहीं है ना सारथी। पहले तुमने कहा था आवेश में आना ठीक नहीं है, अब कह रही हो खामोश रहना ठीक नहीं है। परिस्थितियां बदल सकती है लेकिन अपनी सोच को नहीं बदलना चाहिए। कल जो कुछ भी होगा होकर रहेगा। वो बात नहीं है सारथी, प्लीज मेरी बात सुनो। बेकार में परेशान मत होना, जाओ। मैडम, एक इन्फॉर्मेशन है। कुछ पता चला? अंदर क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन उनके अरेंजमेंट के हिसाब से समझ में आया कि सारथी जी को बम से उड़ाने का प्लान बनाया गया है। बम से? Krishna Vasananda.
गवर्नमेंट की बात सुनो या आपकी बात सुनो मैडम, थोड़ा थोड़ा करके फुल पब्लिक जमा होगी, हम खुद परेशान हैं। अरे मैडम, आपको भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैडम, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है, ऐसे में हम आपको सिक्योरिटी देंगे या इन लोगों को देंगे, आप ही बताइए। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझती है यार, इतनी भीड़ जमा हो गई और आप अपनी बात किए जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है, आपको समझते क्यों नहीं। ए सुनो, ए चलो यार, चलो रे। सब चेक किया है ना? नहीं मैडम, यहाँ के वॉलंटियर्स चेक करने नहीं दे रहे हैं मैडम। ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? इधर सिर्फ हमारी सिक्योरिटी है, इधर कोई और अगर चेकिंग करे तो हमारी प्रेशर डाउन हो जाती है। चेक नहीं करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को भी चेक करने का हमारा अधिकार है, ऐसा ही साहब? यस मैडम। सभी को चेक कीजिए। मैडम, हमने सब जगह चेक कर लिया है, कुछ नहीं मिला। ओके। माक्षी, अत्याचार हमेशा कमजोर लोग पर होता है, अवसर मिलने पर उसका बदला लेना जरूरी है। देवस्थान में चोरी, भगवान के समान तुम्हारे पिताजी की मौत, साथ जैसे इंसान को क्षमा करने के लिए नहीं है, तुम्हारे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए उस सारथी से बदला लेना ही होगा।
बेटा, माँ बच्चों को अपने खून से सींचती है, लेकिन बच्चे के खून से अपना पेट नहीं भरती। बेटा, तुम्हारा खून मैं कभी देखना नहीं चाहती। माँ, तुमने मुझे हत्यारा समझा, नीच पापी समझा, राक्षस भी समझा, वो आपकी मर्जी थी माँ। धर्म की रक्षा करने के लिए दशावतार लिया, सो भगवान भी हत्यारा है, तुम भी हत्यारे कहलाओगे। उन्होंने जो किया वो युग धर्म था, तुमने जो किया वो मानव धर्म है। तुम्हें पैदा करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है बेटा। बस माँ, उस दिन तुमसे मिलने आया, तुमने दरवाजा बंद कर लिया माँ। आज दिल पर पत्थर रखकर मुझसे मिलने आ गई हो ना माँ, है ना माँ? अपना वोट बैंक बचाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाकर इलेक्शन जीतने के बाद ये राजनेता अपने स्वार्थ के लिए रथ पर चढ़कर उनकी आखिरी रथ यात्रा होगी माँ। इस भाग का ही अस्त होने वाला सूर्य भी साक्षी है, मेरी माँ भी साक्षी। नहीं बेटा, नहीं बेटा।